तो चलिए अब हम बात करते हैं खेल के बारे में। 2019 में जो खेल हुए हैं उन्हीं के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेप्टा मारमाही के। यूएस ओपन 2019 की बात करें तो राफेल नडाल ने डेनियल मेदवेदेव देव को हराकर यूएस ओपन का फाइनल जीता है। राफेल नडाल ने यूएस ओपन के फाइनल में जीत दर्ज कर अपने करियर में के 19वें ग्रैंड स्लैम खिताब पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क में अपना चौथा खिताब जीतने के लिए रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराया। 33 वर्षीय स्पेनिश खिलाड़ी नडाल अब रोजर फेडर के पुरुषों के 20वें ग्रैंड स्लैम की जीत के रिकॉर्ड के बेहद करीब हैं। तो याद रखिए यूएस ओपन 2019 जीता है किसने? राफेल नडाल ने। और याद रखिए 19 बार ग्रैंड स्लैम है इनका। अगला है बियंका एंडी स्कू ने जीता है यूएस ओपन महिला एकल खिताब। कनाडाई किशोरी बियंका एंडी स्कू ने सेरेना विलियम्स को 6-3-7-5 से हराकर यूएस ओपन 2019 महिला एकल खिताब जीता है। 19 वर्षीय एंडी स्क्यू ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीतने वाली पहली कनाडाई एकल खिलाड़ी बन गई है। इस जीत के साथ एंडी स्क्यू WTA रैंकिंग में शीर्ष 10 में भी शामिल हो गई है। 19 वर्षीय किशोरी ओपन एरा में अपने टूर्नामेंट की शुरुआत में फिल्सिंग मीडोज में ट्रॉफी जीतने वाली पहली महिला भी है। तो याद रखिए बियंका एंडेस्कू ने जीता है यूएस ओपन महिला एकल खिताब। अब बात करते हैं इंडिया रेड ने दिलीप ट्रॉफी का खिताब जीता है। इंडिया रेड ने इंडिया ग्रीन को एक पारी और 38 रन से हराकर दिलीप ट्रॉफी का खिताब हासिल किया। अगला है हमारा मलिंगा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरी बार 4 गेंदों में 4 विकेट लेकर इतिहास रचा। श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में दूसरी बार 4 गेंदों में 4 विकेट लिए। 36 वर्षीय खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड के कॉलिन मुनरो, हैमिस रदरफोर्ड, कॉलिन डी ग्रैंडहोम और रॉस टेलर को तीसरे T20I में आउट करके अपनी दूसरी डबल हैट्रिक ली है। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2007 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार 4 गेंदों में 4 विकेट लिए थे। अगली बात करते हैं स्टीव स्मिथ एसेज सीरीज में 500 रन बनाने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई बन गए। मौजूदा एसेज श्रृंखला में 5 सितंबर को स्टीव स्मिथ ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना तीसरा दोहरा शतक बनाया। इसके साथ वह एलन बॉर्डर के बाद इंग्लैंड में लगातार एसेज सीरीज में 500 से अधिक रन बनाने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई बन गए। स्मिथ ने वर्ष 2015 में इंग्लैंड में हुई एसेज सीरीज में 508 रन बनाए। एलन बॉर्डर पहली ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैं जिन्होंने एलन बॉर्डर पहली ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैं जिन्होंने इंग्लैंड में एसेज में लगातार 500 से अधिक रन बनाए हैं। बॉर्डर ने वर्ष 1981-85 में 500 से अधिक रन बनाए थे। अगली बात करते हैं कनाडा की बियंका एंडेस्क्यू ने अमेरिकी ओपन में पहली किशोर सेमीफाइनल खिलाड़ी बनी है। कनाडा की 29 वर्षीय बियंका एंडेस्क्यू अमेरिकी ओपन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली किशोर बन गए। वर्ष 1984 में कलिंग वेस्ट सेट के बाद वह पहली बार जब कनाडा की खिलाड़ी अमेरिकी ओपन में यहां तक पहुंची है। बियंका एंडेस्क्यू वर्ष 2009 में कैरोलिन ब्रोजनियाकी के बाद अमेरिकी ओपन सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली किशोर खिलाड़ी बनी। अब बात करते हैं अगला है रशीद खान सबसे युवा टेस्ट कप्तान बने। अफगानिस्तान के लेग स्पिनर रशीद खान ने अपने नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज किया है। वह 20 वर्ष 350 दिन की आयु में दुनिया के सबसे युवा टेस्ट कप्तान बने। रशीद खान ने यह उपलब्धि तब हासिल की है जब अफगानिस्तान टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच खिलाया। रशीद खान ने टेस्ट कप्तान के रूप में अपना पहला टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। राशिद खान ने से पहले सबसे कम युवा टेस्ट टीम के कप्तान नहीं करने वाले रिकॉर्ड जिम्बाब्वे के टेटेंडा टाइबू के नाम था।
उन्होंने पहली बार वर्ष 2004 में श्रीलंका के खिलाफ कप्तानी की थी। उस समय उनकी आयु 20 वर्ष थी, 358 दिन थी। अब बात करते हैं मैताली राज। मैताली राज T20I से रिटायर्ड भारतीय महिला क्रिकेटर मैताली राज ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वह 32 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की है। वह ICC महिला विश्व T20 में 3 बार भारतीय टीम की कप्तानी कर चुकी हैं। वह वर्ष 2006 में भारतीय महिला T20 टीम की पहली कप्तान थी। उन्होंने कुल 89 अंतर्राष्ट्रीय ट्वेंटी ट्वेंटी मैच खेले और 2,364 रन बनाए। वह इस प्रारूप में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। वह 2000 T20I रनों के आंकड़ों तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हैं। वह जोधपुर राजस्थान की रहने वाली हैं। अब बात करते हैं ऋषभ पंत। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय विकेट कीपर बने हैं। ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट के सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय विकेट कीपर बने हैं। उन्होंने भारत के MS धोनी के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा है। पंत ने भारत बनाम वेस्ट इंडीज के दौरान अपने 11वें टेस्ट मैच में 50 बार टेस्ट विकेट लिया है। MS धोनी ने 50 खिलाड़ियों को आउट करने के में 15 टेस्ट मैच खेले थे। अब बात करते हैं हम लोग, कतर वर्ष 2022 में फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा। याद रखिए, कतर विश्व कप की मेजबानी करने वाला पहला अरब देश भी होगा, 2022 में होगा ये। अब बात करते हैं जिम्बाब्वे के कप्तान हैमिल्टन मसाका दर्जा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। अगला हमारा अनुपमा स्वैन ने वर्ल्ड मार्शल आर्ट मास्टरशिप में कांस्य पदक जीता है। भारतीय महिला एथलीट अनुपमा स्वैन ने हाल ही में संपन्न वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स मास्टरशिप जीत्सु 2019 में कांस्य पदक जीता है। यह प्रतियोगिता दक्षिण कोरिया के चुंगजू में आयोजित हुई थी। वह 2022 एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। चैंपियनशिप में भाग लेने वाली वह एकमात्र भारतीय थे। जेयू जीत्सु मार्शल आर्ट और कॉम्बैट स्पोर्ट का एक प्रारूप है और यह ग्राउंड फाइटिंग पर विशेष ध्यान देने के साथ ग्रैपलिंग पर पूरा ध्यान केंद्रित करता है। अगला है हमारा विराट कोहली भारत के सबसे सफलतम टेस्ट कप्तान बने हैं। विराट कोहली महेंद्र सिंह धोनी को पछाड़ कर भारत के सफलतम टेस्ट कप्तान बने हैं। विराट ने भारत के लिए 48 मैचों में से 28 मैच जीतकर यह उपलब्धि हासिल की है। यह तब हुआ जब किंगस्टन में वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट में कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम ने अपनी 28वीं जीत दर्ज की है। MS धोनी अपनी कप्तानी में 60 टेस्ट मैचों में से 27 मैच जीते हैं। सौरव गांगुली 21 जीत के साथ और मोहम्मद अजहरुद्दीन 14 जीत के साथ भारत के सफलतम टेस्ट कप्तानों की सूची में तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। तो याद रखिए, पहले पर हमारे विराट कोहली हैं, दूसरे पर महेंद्र सिंह धोनी, तीसरे पे हैं सौरभ गांगुली और फिर मोहम्मद अजहरुद्दीन। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका एसी में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ 53 टेस्ट जीतकर दुनिया के सफलतम कप्तान बने हुए हैं। उनके बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग हैं, जिन्होंने अपनी कप्तानी में 48 टेस्ट जीत दर्ज। अब अगले हमारे भारत ने नेपाल को 7-0 से हराकर सेफ अंडर 15 खिताब जीता है। भारत ने पश्चिम बंगाल की कल्याणी में नेपाल को 7-0 से हराकर सेफ अंडर 15 खिताब जीता है। इस जीत के साथ भारत ने वर्ष 2013 और 17 में पिछली जीत के बाद रिकॉर्ड तीसरी बार खिताब जीता है। भारत अब टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल टीम है। अब बात करते हैं अगली है, यशस्विनी देसवाल ने ISSF के विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय निशानेबाजी यशस्वी सिंह देसवाल ने ब्राजील की रियो डी जेनेरो में ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अगली हमारे जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट के हैट्रिक लेने वाले तीसरे भारतीय बने हैं। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले तीसरे भारतीय बने। उन्होंने जमैका
किंगस्टन में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट में 3 लगातार गेंदों पर 3 विकेट लिए। उन्होंने हैट्रिक लेने के लिए डेरेन ब्रावो, सरमाई वुक्स वियुक्स, रोस्टन चैन चैज को का विकेट लिया है। हरभजन सिंह और इरफान पठान के बाद किसी भारतीय गेंदबाज की यह तीसरी टेस्ट हैट्रिक होती। अगला हमारा मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने रियो डी जेनेरो में ISSF विश्व कप की मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखिए मनु भाकर और सौरभ चौधरी। अगले चेक गणराज्य के डेनिश डेसिन में एथलीट मीट में गोला फेंक खिलाड़ी तेजिंदर पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता है। अगला हमारा बेल्जियम ग्रांड प्री में फेरारी के चार्ल्स लेकलेस ने लुईस हैमिल्टन को 1 सेकंड से कम समय से हराकर बेल्जियम ग्रांड प्री जीता है। अगला है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच नियुक्त हुए। पूर्व कप्तान मिसबाह उल हक को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुख्य कोच और मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया है। वकार यूनिस को टीम का नया गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं हम लोग अगस्त 2019 के महत्वपूर्ण जो खेल हुए हैं उनके बारे में। गोवा 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। 36वें राष्ट्रीय खेल गोवा में 20 अक्टूबर से 4 नवंबर 2020 तक आयोजित होंगे। गोवा पिछले वर्ष नवंबर में राष्ट्रीय खेलों के 36वें संस्करण की मेजबानी करने वाला था। अगला हमारा ब्राजील बेन डिज्क लुसी वांज ने UEFA अवार्ड जीता है। लिवरपूल के फुटबॉल खिलाड़ी वर्जिल बेन डिज्क ने UEFA का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। अगला अभिषेक वर्मा और एला वेनिल वेलारियन ने निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारतीय निशानेबाज के प्रदर्शन में अभिषेक वर्मा ने स्वर्ण पदक और सौरभ चौधरी ने कांस्य पदक जीता है, जबकि एला वेनिल वेलारियन ने री डी जिनेरो में विश्व कप की महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण के साथ भारत का खाता खोला है। अगला वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज सेसिल राइट ने 85 वर्ष की आयु में संन्यास लिया है। वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज सेसिल राइट ने 85 वर्ष की आयु में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। राइट ने वेस्ट हॉल और सर गारफील्ड शोवेस की बारबाडोस टीम के खिलाफ जमैका की ओर से प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया है। 85 वर्षीय खिलाड़ी ने पेशेवर क्रिकेट में 2 मिलियन से अधिक मैच खेलकर 7,000 से अधिक विकेट लिए। अगली बात करते हैं अजंता मेंडिस ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। श्रीलंका के रहस्यमय स्पिनर अजंता मेंडिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। मेंडिस ने श्रीलंका के लिए 19 टेस्ट 87 एक दिवसीय और 39 T20I मैच खेले हैं और 70 टेस्ट विकेट और 152 एक दिवसीय विकेट और 66 T20I विकेट लिए हैं। अगला हमारा रूस में वर्ल्ड स्किल्स कजान प्रतियोगिता। भारत टीम ने विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर कौशल प्रतियोगिता 45वीं वर्ल्ड स्किल कजान 2019 रूस में 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीत के इतिहास रचा। एस अश्वथा नारायण ने जल प्रौद्योगिकी में स्वर्ण पदक जीता। फेडा नोटलपति ने वेब प्रौद्योगिकी में रजत पदक जीता और संजय प्रमाणिक और श्वेता रतनपुरा ने आभूषण और ग्राफिक डिजाइन प्रौद्योगिकी में 1 कांस्य पदक जीता। अगला हमारा वेटिस ग्रांड प्री। कौन सा? वेटिस ग्रांड प्री सुजुकी ECSTR टीम के स्पेन मोटरसाइकिल रेसर एलेक्स रिंस ने वेटिस ग्रांड प्री जीता है। अगला विक्रम राठौर को टीम इंडिया का बल्लेबाज कोच नियुक्त किया गया। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज विक्रम राठौर को टीम इंडिया के नए बल्लेबाज कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। वह संजय वागड़ की जगह लेंगे। जब भरत अरुण और आर श्रीधरन को गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षक कोच नियुक्त किया गया है। अगला डूरंड कप
गोकुलम केरल एफसी ने, गोकुलम केरल एफसी ने कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में मोहन बगान को 2-1 से हराकर 129वां डोरंड कप जीता है। अगले, हमारे पीवी सिंधु विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय बनी। शीर्ष भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने स्विट्जरलैंड के वेसेल में खेले गए फाइनल में जापान की नजोमी ओकुहारा को हराकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है। सिंधु अपनी जापानी प्रतिद्वंदी नोजोमी ओकुहारा को 21-7 21-7 से हराया। यह सिंधु का लगातार तीसरा विश्व चैंपियनशिप फाइनल था। इस जीत के साथ 21 वर्षीय खिलाड़ी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई। अगला, हमारा पेटीएम ने 5 वर्ष के लिए भारतीय क्रिकेट की टाइटल स्पॉन्सरशिप पुनः हासिल की है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड ने घोषणा की कि मोबाइल भुगतान और ई कॉमर्स कंपनी पेटीएम ने टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकारों को पुनः हासिल किया है। पेटीएम ने भारत में 5 वर्ष तक खेले जाने वाले सभी क्रिकेट मैचों, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप अधिकार प्राप्त किए। अगला, वीएनएस रेड्डी ने वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के पुरुष एकल फाइनल में अमेरिका के ब्रूस बेरिलियोस को हराकर स्वर्ण पदक जीता। अगला, पैरा तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया ने अमेरिका के कैटलिना चैनल को पार किया है। भारतीय पैरा तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया अमेरिका के कैटलिना चैनल को पार करने वाले पहले एशियाई तैराक बने। सत्येंद्र के नाम चैनल इंग्लिश और कैटलिना दोनों चैनल को पार करने का एशियाई रिकॉर्ड दर्ज। अगला, कोमलिका वारी विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में रिकर्व कैडेट बनी। भारत की कोमलिका वारी स्पेन के मैड्रिड में आयोजित विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में विश्व कैडेट विश्व रैंक चैंपियन बनी। उन्होंने फाइनल में जापान सीड वरीयता प्राप्त सोनोदा हुआका को 7-3 से हराया। अगला है, भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। सुखबीर सिंह, संगम प्रीत सिंह बिसला और तुषार फड़तरे की भारतीय टीम ने स्पेन के मैड्रिड में आयोजित विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में जूनियर कंपाउंड पुरुष टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। अगला, हमारा महाराष्ट्र ने मिशन शक्ति खेल पहल शुरू की है। फिल्म अभिनेता आमिर खान ने ओलंपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए आदिवासी क्षेत्रों के एथलीटों को प्रशिक्षित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की पहल मिशन शक्ति का शुभारंभ किया है। यह महाराष्ट्र सरकार को चंद्रपुर और गढ़चिरौली के दूरदराज के क्षेत्रों में प्रतिभाशाली एथलीटों को ढूंढने में मदद करेगा। समारोह में आमिर खान ने उन आदिवासी पर्वतारोहियों की एक टीम का सम्मान किया है जिन्होंने हाल ही में मिशन सौर के हिस्से के रूप में माउंट एवरेस्ट की पतर किया था। मिशन शक्ति 2024 तक ओलंपिक पदक के लिए आदिवासी छात्रों को तैयार करना है। मिशन को 6 खेलों खेल विधाओं तीरंदाजी, शूटिंग, वॉलीबॉल, तैराकी, भारत्तोलन और जिमनास्टिक की ओर से निर्दिष्ट किया गया है। अगली बात करते हैं, चेल्सी के फुटबॉलर एस्ले कोल ने संन्यास की घोषणा की है। पूर्व चेल्सी, आर्सेनल और इंग्लैंड के फुटबॉल खिलाड़ी एस्ले कोल ने 38 वर्ष की उम्र में फुटबॉल से अपने संन्यास की घोषणा की है। अगला, मिचेल जॉनसन एमसीसी के सम्माननीय जीवन सदस्य बन गए हैं। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन को मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब का सम्माननीय आजीवन सदस्य के रूप में चुना गया है। अगला, हमारा लाबू सेन पहले आघात से स्थानापन्न क्रिकेट खिलाड़ी बने। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वार्नस लाउसेन पहले स्मिथ की चोट के कारण स्थानापन्न खिलाड़ी बन गए। एक आघात स्थानापन्न अनुरोध आईसीसी मैच रेफरी द्वारा आईसीसी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। टीम चिकित्सा दल एक खिलाड़ी के सिर या गर्दन की चोट के आकलन के लिए नामित व्यक्ति है।
एक कस्यूसन रिप्लेसमेंट एक ऐसा खिलाड़ी है जो एक ऐसे खिलाड़ी की जगह लेता है जिसे मैच के शेष के लिए बदल दिया गया है। खिलाड़ी को टीम द्वारा प्रदान किए गए नामांकित खिलाड़ियों की सूची से चुना जाएगा। जिसका खिलाड़ी घायल हो गया और वह मैच में पूरा हिस्सा लेगा। एशेज सीरीज 2019 में स्टीव स्मिथ को लॉर्ड्स में होने वाले एशेज टेस्ट मैच के आखिरी दिन सिर दर्द के कारण बाहर कर दिया गया था। लॉर्ड्स टेस्ट के आखिरी दिन मार्नस लेबोस्चेगने ने स्मिथ की जगह ली है। अंगली हमारे हिमा दास मोहम्मद अनस ने एथलेटिक मेटी नेक्रीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय धावक हिमा दास और मोहम्मद अनस ने स्वर्ण पदक जीता और निर्मल टॉम ने एथलेटिकी मेटी नेक्रीटर स्पर्धा में 300 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है। इस स्पर्धा का आयोजन चेक गणराज्य में किया गया था, जबकि हिमा ने महिलाओं की श्रेणी में स्वर्ण और मोहम्मद अनस और निर्मल टॉस ने पुरुषों की श्रेणी में स्वर्ण और कांस्य पदक जीते हैं। अगली बात करते हैं, भारत ने अंडर 12 एशियाई टेनिस टीम चैंपियनशिप जीते हैं। भारत ने कजाकिस्तान में आयोजित अंडर 12 एशियाई टेनिस टीम चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने चीनी ताइपे को समेट में हरा कर खिताब जीता है। अगली बात करते हैं, भारत ने T20 शारीरिक विकलांगता विश्व क्रिकेट श्रृंखला जीती है। भारत ने इंग्लैंड में आयोजित T20 शारीरिक विकलांगता विश्व क्रिकेट श्रृंखला 2019 जीती है। भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को 36 रनों से हरा कर जीता है। 6 देशों के टूर्नामेंट का आयोजन इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड द्वारा किया गया था। अगली बात करते हैं हम लोग, विश्व साइकिल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भारतीय साइकिल चालकों ने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय साइकिल चालकों की टीम ने फ्रैंकफर्ट जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड जूनियर ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में टीम तेज दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय टीम में एसओ एल्वेन, रोनाल्डो सिंह और रोजीत सिंह शामिल थे। यह विश्व साइकिलिंग प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। भारतीय टीम ने फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। अगली बात करते हैं हम लोग, चेक गणराज्य में एथलेटिक की मेटी ने नेट रीडर स्पर्धा 2019 में आयोजित 300 मीटर दौड़ में भारतीय स्प्रिंटर्स हिमा दास और मोहम्मद अनस ने किमसा महिला पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। 2 जुलाई 2019 से हिमा दास द्वारा यूरोपीय दौड़ में यह छठा स्वर्ण था। अगली बात करते हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी द्वारा स्टीव रोड्स की जगह रसेल डोमिंगो को बांग्लादेश का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अगली बात करते हैं, न्यूजीलैंड के टिम साउथी ने भारत के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी की है। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउथी ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के टेस्ट क्रिकेट में छक्कों के रिकॉर्ड की बराबरी की है, जो श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच के पहले दिन गाले में आयोजित किया गया था। तेंदुलकर और साउथी दोनों ने टेस्ट क्रिकेट में 69 छक्के लगाए। अगली बात करते हैं, मुंबई विश्व युवा शतरंज 2019 की मेजबानी करेगा। 2019 विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप 1 से 13 अक्टूबर तक पवई मुंबई में आयोजित की जाएगी। अगली बात करते हैं हम लोग, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में रवि शास्त्री को नियुक्त किया गया। पूर्व हरफन मौला खिलाड़ी रवि शास्त्री को अगले 2 वर्षों के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अगली बात करते हैं, दीपक पूनिया ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है। दीपक पूनिया ने एस्टोनिया के तालिन में आयोजित जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 86 किलोग्राम जूनियर फ्री स्टाइल खिताब जीतने के लिए रूस के एलिक सेबू को हराया। सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की सूची में सेरेना विलियम्स सबसे ऊपर है। सेरेना विलियम्स फोर्ट द्वारा विकसित उच्चतम भुगतान महिला एथलीट 2019 की सूची में सबसे ऊपर है। उसने $29 मिलियन की कुल कमाई के साथ लगातार 4वीं बार वार्षिक सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। जापान की नवोमी ओसाका $24.3 मिलियन की कमाई के साथ दूसरे स्थान पर। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु 13वें स्थान पर है।
और थाई गोल्फर एरिया जूटा नोगन के साथ फोर्ब्स की सर्वश्रेष्ठ भुगतान वाली महिला एथलीटों की शीर्ष 15वीं सूची से बाहर हुई। अगली बात करते हैं, यूईएफए सुपर कप जीतने के लिए लिवरपूल ने चेल्सी को हराया। इंस्टाबुल में आयोजित यूईएफए सुपर कप जीतने के लिए लिवरपूल ने फाइनल में चेल्सी को हराया। मैच अतिरिक्त समय के बाद स्कोर 2-2 से ड्रा पर समाप्त हुआ। सिमोन वाइल्स ने एक ट्रिपल डबल ब्रेस्ट के साथ इतिहास बनाया। सिमोन वाइल्स ने ट्रिपल डबल फ्लोर एक्सरसाइज में लैंडिंग करते हुए इतिहास बनाया। उन्होंने कैंसस सिटी में आयोजित अमेरिका जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में 2 फ्लिप और 3 ट्विस्ट वाले लैंडिंग का प्रदर्शन किया है। अगली बात करते हैं हम लोग, सिमोन वाइल्स एक ट्रिपल डबल ट्विस्ट के साथ इतिहास बनाता है। सिमोन वाइल्स एक पहले कभी नहीं देखा गया ट्रिपल डबल और फ्लोर एक्सरसाइज लैंडिंग के साथ इतिहास बनाता है। उसने कैंसस सिटी में आयोजित अमेरिकी जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में 2 फ्लिप और 3 ट्विस्ट की विशेषता वाली लैंडिंग की है। अगली बात करते हैं, वेस्ले स्नेजीडर ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। नीदरलैंड के सबसे पुराने खिलाड़ी वेस्ले स्नेजीडर ने फुटबॉल से अपने संन्यास की घोषणा की है। अगली बात करते हैं, एस्टोरिया पिस्से ने FIM बजाज वाजस विश्व खिताब जीता है। एस्टोरिया पिस्से ने मोटर स्पोर्ट में विश्व खिताब जीतने वाली वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया, क्योंकि उन्होंने वो वर पलोटा हंगरी में चैंपियनशिप के अंतिम दौर में के बाद महिलाओं की श्रेणी में FIM विश्व कप जीता है। इस आयोजन का संचालन इंटरनेशनल मोटरसाइकिलिंग फेडरेशन द्वारा किया गया है, जो दुनिया में मोटरसाइकिल रेसिंग के लिए नियंत्रक निकाय है। इंटरनेशनल मोटरसाइकिलिंग फेडरेशन का मुख्यालय है मेज स्विट्जरलैंड में। अगली बात करते हैं, बर्मिंगम राष्ट्रमंडल खेलों में महिला क्रिकेट कुआलालंपुर में 1998 के बाद से पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की सूची में वापस आएगा, जिसमें बर्मिंगम में 2022 संस्करण के लिए महिलाओं के T20 को शामिल किया गया। 27 जुलाई से 7 अगस्त 2022 तक होगा, जिसमें 8 अंतरराष्ट्रीय टीमें क्रिकेट खेल रही हैं। यह निर्णय राष्ट्रीय खेल महासंघ और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने लिया है। अगला हमारा, डच हीरो वेस्ले स्नेजीडर ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। अगला हमारा, कनाडाई किशोरी बियंका एंड्रेस्क्यू रोजर कप 2019 जीता है। कनाडाई किशोरी बियंका एंड्रेस्क्यू ने कनाडा के टोरंटो में आयोजित रोजर कप टेनिस टूर्नामेंट 2019 जीता है। वह 50 वर्षों में इस प्रतियोगिता को जीतने वाली पहली कनाडाई थी। फाइनल में सेरेना विलियम्स वो विजेता रही। सौरभ वर्मा ने हैदराबाद ओपन जीता। भारतीय बैडमिंटन स्टार सौरभ वर्मा ने हैदराबाद ओपन में पुरुष एकल खिताब जीता है। उन्होंने 52 मिनट के अंतिम संघर्ष में सिंगापुर के लोहे कीन यू को हराया। सौरभ वर्मा मध्य प्रदेश के हैं, याद रखिए। चेन्नई लारेंस ने दबंग दिल्ली को हराकर यूटीटी जीत ली। चेन्नई लायंस ने अल्टीमेटेड टेबल टेनिस लीग जीती। उन्होंने फाइनल में दबंग दिल्ली को 8-1 से हराया। चेन्नई लायंस में विजेता के रूप में 75 लाख और दिल्ली लाख जबकि दिल्ली को 50 लाख मिले। अगला, राफेल नडाल ने मॉन्टियल मास्टर्स का खिताब जीता। राफेल नडाल ने मॉन्टियल में 35वां मास्टर्स का ताज जीता। उन्होंने रूसी डेनियल मेदवेदेव को 6-3 6-0 से हराया। जीत के साथ उन्होंने 1000 मास्टर्स खिताब के रिकॉर्ड को भी अपने नाम किया है। अगला हमारा, बजरंग पुनिया ने त्रिविलिसी ग्रैंड पिक्स में स्वर्ण जीता। बजरंग पुनिया ने त्रिविलिसी जॉर्जिया में आयोजित त्रिविलिसी ग्रैंड पिक्स में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा के 65 किलोग्राम फाइनल में ईरान के पीमन बिबियानी को 2-0 से हराया। यह एशियाई खेल चैंपियनशिप के सीजन का 4वां स्वर्ण था। अगला है, बीसीसीआई नाडा के दायरे में आने के लिए सहमत हो गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड राष्ट्रीय डंपिंग रोधी एजेंसी के दायरे में आने के लिए सहमत हो गया। यह निर्णय भारतीय क्रिकेट
क्रिकेट के शासकीय निकाय को सरकारी मानदंडों के अनुसार एक खेल महासंघ बनाता है। नतीजतन सभी क्रिकेटरों का परीक्षण अब नाडा द्वारा किया जाएगा। नाडा के बारे में बताएं तो यह राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी भारत में खेल के सभी रूपों में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देने, समन्वय और निगरानी के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय संगठन है। इसको भारत में नशा मुक्त खेल के लिए शासनादेश के साथ 2005 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1890 के तहत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था। अगला हमारा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने नए ट्रांसजेंडर समावेशी नीति का खुलासा किया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने नए नई ट्रांसजेंडर समावेशी नीति की घोषणा की है। यह नीति ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को उच्चतम स्तर पर क्रिकेट का खेल खेलने में सक्षम बनाएगी। यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की लिंग पहचान नीति और लिंग विविधता दिशा निर्देशों के अनुसार संरेखित करती है। नीति ट्रांसजेंडर और लिंग विविध खिलाड़ियों के लिए एक टेस्टोस्टोन सीमा निर्धारित करती है जो राज्य और राष्ट्रीय महिलाओं की टीमों के लिए खेलना चाहते हैं। अगला है हमारा 46वां, जिस तीरंदाजी ने AAI को दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए निलंबित किया है। विश्व तीरंदाजी ने अपने दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए तीरंदाजी संघ को निलंबित कर दिया है। AAI ने दो समांतर संघ निकायों को चुनाव करके विश्व तीरंदाजी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। निलंबन आदेश के अनुसार मैड्रिड में होने वाले विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में भारतीय तीरंदाज भारतीय ध्वज के नीचे अंतिम प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। अगला हमारा डिएगो फोरलॉक लान ने पेशेवर फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। उरुग्वे के प्रसिद्ध स्ट्राइकर डिएगो फोरलॉक लान ने पेशेवर फुटबॉल से अपने संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने 2010 फीफा विश्व कप सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने जाने के बाद गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता था। अगला है अमला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की ले लिया। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज हासिम अमला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा ले लिया है। अमला ने अपने 15 साल लंबे क्रिकेट करियर में 124 टेस्ट, 181 वनडे और 44 T20 खेले, 18,000 से अधिक रन बनाए जिसमें 50 शतक, 88 बार 50 से अधिक स्कोर शामिल है। अगला हमारा 4,000 किलोमीटर साइकिलिंग रेस जीतने वाली पहली महिला जर्मन कैंसर शोधकर्ता फियोना कोलबिंगर ने मिश्रित बार से 4,000 किलोमीटर यानी कि 2,485 मील की दूरी पर बुल्गारिया के बरगास से फ्रांस में वेस्ट तक अंतर महाद्वीपीय रेस साइकिलिंग की। कोलंबिया अपनी पहली अत्यधिक दूरी की स्पर्धा में दुनिया की सबसे कठिन साइकिल रेस जीतने वाली पहली महिला बनी। अगली बात करते हैं, शैली पियरसन ने ट्रैक एंड फील्ड से संन्यास की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया के विश्व विजेता हर्डलर शैली पियरसन ने चोट के कारण अपने संन्यास की घोषणा की है। अगले, निक क्रिगियोस ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर छठवां ATP खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया के निक क्रिगियोस ने अपना धैर्य बनाए रखा और ATP वाशिंगटन ओपन खिताब पर कब्जा कर लिया। 10वीं श्रेणी के रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराया है। अगला हमारा 37 वर्षीय न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान बेंडन मैकुलम ने सभी प्रकार के क्रिकेट संन्यासों से संन्यास की घोषणा की है। अगला, रविंद्र अश्विन को PCA प्लेयर ऑफ द मंथ नाम दिया गया। भारतीय ऑफ स्पिनर रविंद्र अश्विन को जुलाई 2019 के महीने के पेशेवर क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया। काउंटी चैंपियन में उनके लगातार प्रदर्शन के लिए नामित किया गया क्योंकि उन्होंने 197 रन बनाए और नॉटिंगहम शायर के लिए सिर्फ 3 मैचों में 23 विकेट लिए। अगली बात करते हैं, दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज डेल स्टेन टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। अगला हमारा, पोलैंड ओपन रेसलिंग टूर्नामेंट में विनेश ने 53 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। अगला, सुपर 500 का खिताब जीतने वाली
खिताब जीतने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी भारत की साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष युगल फाइनल में जीत हासिल कर इतिहास रचा। यह BWF सुपर 500 खिताब जीतने वाला पहला भारतीय पुरुष का संयोजन है। अगले हैं हंगेरियन ग्रैंड प्री फार्मूला वन मार्सिडीज ड्राइवर लुइस हैमिल्टन विजेता रहे इसमें। अगले हमारे बर्मिंगम राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो शूटिंग बहिष्कार पर आयोजकों की फर्म राष्ट्रमंडल खेल प्रमुख लुइस मार्टिन ने कहा है कि शूटिंग बर्मिंगम में 2022 संस्करण का हिस्सा नहीं होगी। राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंगम इंग्लैंड में आयोजित होंगे। अगला हमारा बेंगलोर पहली बार 10वीं AASF एशियाई एज ग्रुप चैंपियनशिप 2019 की मेजबानी करेगा। पहली बार बेंगलोर कर्नाटक में 10वीं AASF एशिया तैराकी महासंघ एशियाई एज ग्रुप चैंपियनशिप 2019 की मेजबानी 24 सितंबर 2019 से 2 अक्टूबर तक करेगा। देश के तैराकी समर्थकों को जलीय स्पर्धा को देखने का मौका मिलेगा। अगला स्टीव स्मिथ ने विराट कोहली को पछाड़ते हुए 25 टेस्ट शतक बनाने के मामले में दूसरा सबसे तेज शतक बनाया। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले एशेज टेस्ट मैच की दूसरी पारी के दौरान भारतीय कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर दूसरा सबसे तेज 25 शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। सारणी में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन सबसे ऊपर हैं। स्मिथ ने अपनी 119वीं पारी में यह उपलब्धि दर्ज की है, जबकि सर जो डॉन ब्रैडमैन ने यह उपलब्धि 68 पारियों में हासिल की। अगला है लियोनेल मेस्सी को अर्जेंटीना से 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया। सोकेन संस्था कॉमन बोल ने कोपा अमेरिका में किए गए नवीनतम भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण लियोनेल मेस्सी को 3 महीने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैचों से निलंबित कर दिया। दक्षिण अमेरिकी संस्था ने टूर्नामेंट के तीसरे स्थान के प्ले ऑफ में चिली के खिलाफ अर्जेंटीना की 2-1 से जीत के बाद सुपर स्टार को अपनी टिप्पणियों के लिए $50,000 का जुर्माना लगाया गया। अब बात करते हैं जुलाई 2019 के खेलों की। तो ICC विश्व कप 2019 इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 का खिताब अपने नाम किया। ICC क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी 2019 के ग्रैंड फिनाले में इंग्लैंड ने सुपर ओवर में गेंद को अधिक संख्या में सीमा से बाहर भेजने के साथ न्यूजीलैंड को हराया। तो इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है केन विलियमसन न्यूजीलैंड के, प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड बेन स्टोक्स इंग्लैंड के। टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा भारत के। टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं मिशेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के। ICC क्रिकेट विश्व का 13वां संस्करण 9 फरवरी से 26 मार्च 2023 तक भारत में आयोजित होगा। अगला ठीक है 13वां ये बार बात। अब विंबलडन की बात करें 2019 के, तो सिमोना हालेप रोमानियाई ने सेरेना विलियम्स को हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीता है। नोवाक जोकोविच सर्बियाई ने स्विस टेनिस एस रोजर फेडर को हराकर अपना 5वां विंबलडन खिताब जीता है। यह जोकोविच का 16वां ग्रैंड स्लैम और 5वां विंबलडन खिताब है। वह अब 5 बार के विंबलडन विजेता के रूप में बियोन ब्योर के बराबर हैं। मिश्रित युगल की बात करें तो विजेता डोडिक क्रोएशिया और एल चान ताइवान, उपविजेता की बात करें तो आर लैंड स्टेड स्वीडन के और जे ओस्टा पेको लातविया। महिलाओं की बात युगल की तो विजेता है एस डब्ल्यू हैरिस से ताइवान और बी स्ट्राइकोवा चेक गणराज। रनर अप जी ड्रावेस्की कनाडा, वाईजू चीन। पुरुष युगल की बात करें तो विजेता हैं जुआन सेबेस्टियन केवाल कोलंबिया, रॉबर्ट फ्राय कोलंबिया, उपविजेता रहे निकोलस माहूत फ्रांस और एडवर्ड रोजर वेस्लिन फ्रांस। यहाँ याद रखिए आप लोग विंबलडन 2019 इसमें सिमोना हालेप ने सेरेना
विलियम को हराकर अपना पहला विंबल्डन जीता है, एक याद रखिए सिमोना हालेप ने जीता है, और दूसरा नोवाक जोकोविच ने, दो नाम याद रखिए ठीक है, यही महत्वपूर्ण रहते हैं, यही पीछे जाएंगे। अब बात करते हैं अगली है खबर हमारी, एलिस पेरी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 रन बनाने और 100 विकेट लेने वाले दुनिया के की पहली क्रिकेट बन गई। ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर खिलाड़ी एलिस पेरी ने इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में बड़ा रिकॉर्ड बनाया और ऐसा करने वाली वह दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई। एलिस पेरी इंग्लैंड के खिलाफ T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 रन बनाने और 100 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट बन गई क्रिकेटर। अगला यूएस बेसबॉल लीग में रोबोट अंपायरों की शुरुआत, इंडिपेंडेंट अटलांटिक लीग कंप्यूटर कॉल बॉल्स वाली और स्ट्राइक को जाने देने वाली पहली अमेरिकी पेशेवर बेसबॉल लीग बन गई। अंपायरों के पास कंप्यूटर को ओवरराइड करने की क्षमता होती है, जो गेंद के उछलते ही पिच को स्ट्राइक मानता है और फिर जोन को पार करता है। अगली बात करते हैं फीफा रैंकिंग, भारत 2 स्थान गिरकर 103वें स्थान पर पहुंच गया। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा की जारी विश्व रैंकिंग में 2 पायदान नीचे खिसक कर 103वें स्थान पर खिसक गया। भारत 1214 रैंकिंग अंक है और पिछली बार उसने 5 अंक कम हुए हैं। भारतीय टीम अब एशियाई देशों में 18वें स्थान पर है, ईरान 23वें, एशियाई देशों में शीर्ष पर रहा है, उसके बाद जापान है 33, कोरिया है 37, ऑस्ट्रेलिया है 46, कतर है 62। विश्व रैंकिंग पर गौर करें तो बेल्जियम सूची में 30 स्थान पर, उसके बाद ब्राजील, फ्रांस, इंग्लैंड और उरुग्वे का नंबर आता है। अगली बात करते हैं श्रीलंकाई बॉलर नोवान कुलशेखरा का क्रिकेट से संन्यास। श्रीलंका के तेज गेंदबाज नोवान कुलशेखरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से को अलविदा कर कहने का फैसला किया है। महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 के विश्व कप फाइनल में कुलशेखरा पर ही छक्का जड़कर भारत को जीत दिलाई थी। अगली बात करते हैं भारत ISSF विश्व कप 2020 की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ने ISSF विश्व कप चरणों की मेजबानी करने के लिए भारत के आवेदन को मंजूरी दी है। विश्व कप 15 से 26 मार्च 2020 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ISSF विश्व कप का आखिरी संस्करण जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित किया गया। अगली बात करते हैं सुनील छेत्री ने रिकॉर्ड 6वीं बार AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया है। सुनील छेत्री को रिकॉर्ड विस्तार वाले 6ठे समय के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया। सुनील छेत्री 2007, 2011, 2013, 2014, 2017 में प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत चुके हैं। भारत के मिडफील्डर अब्दुल समद को AIFF इमर्जिंग मैन्स ऑफ प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया। आशा लता देवी को वर्ष 2018-19 की AIFF महिला फुटबॉलर का नामित किया गया। महिला वर्ग में मणिपुर की डंगमेई गेस को वर्ष की बढ़ती हुई खिलाड़ी घोषित किया गया है। 1992 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। यह भारत में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दिया जाने वाला वार्षिक संघ फुटबॉल पुरस्कार है। अगली बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन गुवाहाटी में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का तीसरा संस्करण गुवाहाटी असम में आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया कार्यक्रम का उद्घाटन 2018 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम का दूसरा संस्करण 2019 में पुणे में महाराष्ट्र में, तो याद रखिए पहला नई दिल्ली, दूसरा है पुणे, और अब जो तीसरा होगा 2020 में गुवाहाटी असम में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे संस्करण में महाराष्ट्र 228 पदक, 85 इसमें 85 स्वर्ण, 62 रजत और 81 कांस के साथ शीर्ष स्थान पर है। हरियाणा कुल 178 पदक, 62 स्वर्ण, 56 रजत, 60 कांस के साथ दूसरे स्थान पर रहा। दिल्ली कुल 136 पदकों के साथ 48 स्वर्ण थे, इसमें 37 रजत और 51 कांस के साथ तीसरे स्थान पर था। अगली बात करते हैं मैरी कॉम ने प्रेसिडेंस कप में स्वर्ण पदक जीता। 6 बार विश्व चैंपियनशिप MC मैरी कॉम ने इंडोनेशिया के लगुआन बाजू में आयोजित 23वें प्रेसिडेंस कप में स्वर्ण पदक हासिल किया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कर अप्रैल फिंग्स को 5-0 से हराया।
अगली बात करते हैं जर्मन ग्रैंड प्री रेल रेड बुल का मैक्स वेर स्टेपेन ने जीता। अगला चंडीगढ़ ने बीसीसीआई की संबद्धता प्राप्त की है। चंडीगढ़ ने लगभग 4 दशकों के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की संबद्धता प्राप्त की है। बीसीसीआई से संबंध प्राप्त करने के बाद चंडीगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन पंजाब ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश क्रिकेट संघ के साथ विलय करने का घोषणा किया था। इस प्रकार केंद्र शासित प्रदेश को एक अलग इकाई के रूप में मान्यता देने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अगली बात करते हैं आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू की है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप दुनिया को की 9 टेस्ट टीमों भारत ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश इंग्लैंड न्यूजीलैंड पाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के बीच खेला जाएगा। 2 वर्षों में खेली गई 27 श्रृंखलाओं में 71 टेस्ट मैचों की प्रतिस्पर्धा हुई। अंत में शीर्ष 2 टीमें जून 2021 में यूनाइटेड किंगडम के में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में प्रतिस्पर्धा करेंगी। अगली बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जिम्बाब्वे क्रिकेट को निलंबित कर दिया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जिम्बाब्वे को यह सुनिश्चित करने में विफल रहने के लिए निलंबित कर दिया कि खेल के संचालन में कोई सरकारी हस्तक्षेप तो नहीं है। आईसीसी ने फंडिंग वापस ले ली और जिम्बाब्वे को आईसीसी के आयोजनों में भाग लेने पर रोक लगा दी। जून 2004 में जिम्बाब्वे का टेस्ट दर्जा आईसीसी द्वारा निलंबित कर दिया गया था। अंग्लिया उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीप कप खिताब जीता है। उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय कप फुटबॉल टूर्नामेंट का दूसरा संस्करण जीता है। उत्तर कोरिया ने अहमदाबाद में आयोजित फाइनल में तजाकिस्तान को हराया। समोआ के एपिया में आयोजित राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के साथ भारतीय भारोत्तोलन अजय सिंह ने क्लीन और जैक श्रेणी में एक नया राष्ट्रमंडल रिकॉर्ड बनाया। अगली है वेटिस ग्रैंड प्री, तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीती। अगला है मैक्सिको ने कॉनकाकाफ गोल्ड कप फाइनल जीता। मैक्सिको ने यूएसए को हराकर अपना 8वां कॉनकाकाफ गोल्ड कप खिताब जीता है। जोनाथन डॉस सैंटोस ने रोमांचक फाइनल में मैक्सिको के लिए 73वें मिनट में विजयी गोल किया है। विनेश फोगाट ने इस्तांबुल में यासर डोगू इंटरनेशनल स्वर्ण पदक जीता है। फोगाट ने फाइनल मैच में अपने रूसी प्रतिद्वंदी एकातेरिना पोलिशचुक को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्रोएशिया ग्रैंड शतरंज टूर 2019 का खिताब। मैग्नस कार्लसन ने क्रोएशिया ग्रैंड शतरंज टूर 2019 का खिताब जीता है। अगला 21वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन उड़ीसा के कटक में हुआ है। भारत की महिलाओं ने सिंगापुर को हराकर अपना पहला राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस खिताब जीता है। कटक में आयोजित में भारतीय पुरुषों ने इंग्लैंड को 3-2 से हराया। अगली बात करते हैं हिमा दास ने टबोर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय धावक हिमा दास ने 23.25 सेकंड में 200 मीटर की दौड़ में चेक गणराज्य टबोर एथलीट मीट में विश्वसनीय समय में स्वर्ण पदक जीता है। अगली बात करते हैं कॉमनवेल्थ वरिष्ठ भारोत्तोलन प्रतियोगिता भारत के लिए 4 स्वर्ण। मीराबाई चानू ने वरिष्ठ महिलाओं के 49 किलोग्राम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। जोली दलभा ने वरिष्ठ महिलाओं के 45 किलोग्राम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। सोरो एकबम इंदिया रानी देवी ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि संतोषी ने वरिष्ठ महिला 55 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीता। अगला ऋषि कांत सिंह ने वरिष्ठ पुरुष 55 किलोग्राम स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। अगला राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन प्रतियोगिता भारत ने एपिया समाया में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण पदक जीते। भारतीय पदक विजेता इस प्रकार है पुरुष एलिट और जूनियर अचिन्ता सूली ने 73 किलोग्राम आयोजन में 2 स्वर्ण पदक जीते। जूनियर गुलाम नबी ने 67 किलोग्राम के आयोजन में स्वर्ण पदक जीता। जूनियर और युवा एल सदानंद सिंह ने 73 किलोग्राम आयोजन में कांस्य और स्वर्ण पदक जीता। महिला एलिट मनप्रीत कौर ने 76 किलोग्राम रजत पदक जीता। जूनियर आर आरोगिया अलिस ने 76 किलोग्राम इवेंट में रजत पदक जीता। अगली बात करते हैं तमिलनाडु की लड़की ने विश्व वादिर खिताब में गोल्ड मेडल जीता। तमिलनाडु की लड़की जेलिन जेरलिन
लिन अनिका ने ताइपे में आयोजित विश्व बधिर यूथ बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। 25-15 वर्षीय अनिका ने प्रतियोगिता में 4 पदक जीते जिसमें स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य शामिल है। अगला है हमारा टेबल टेनिस में भारतीय जोड़ी सीत साथियान और एंथनी अमलराज ने वर्ल्ड टूर पैलेटिनियम ऑस्ट्रेलियन ओपन में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने जियोंग योंग सिक और ली सांगसू की कोरियाई जोड़ी को हराया है। अगली बात करते हैं बॉक्सर विजेंदर सिंह ने लगातार 11वीं बार प्रो आउट बाउट जीती है। उन्होंने यूएसए के न्यूयॉर्क में अमेरिकी पेशेवर सर्किट में पदार्पण कर रहे माइकल नाइडर को हराया है। अगला है एम सी शंकर ने तत्याना कोल्ब को अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स में लंबी कूद का स्वर्ण जीता है। टूर्नामेंट बिश्केक में आयोजित किया गया था। अगला है आमिर खान ने WBC अंतरराष्ट्रीय वेटर वेट खिताब जीता। उन्होंने सऊदी अरब के जिद्दा में आयोजित सुपर बॉक्सिंग लीग में अपने मुक्केबाजी के चौथे दौर में ऑस्ट्रेलिया बिली डिप को हराया है। अगली बात है विजय वीर ने ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में अपना 3रा स्वर्ण जीता है। विजय वीर सिद्धू ने जर्मनी के शोहल में चल रहे ISSF जूनियर विश्व कप का अपना 3रा स्वर्ण पदक जीता है जिसमें पुरुषों की 25 मीटर पिस्टल में पदक लाने के लिए राजकंवर सिंह संधु और आदर्श सिंह के साथ संयोजन किया गया। अगली बात करते हैं अनीस भानवाला ने ISSF जूनियर विश्व कप में स्वर्ण पदक हासिल किया। शूटर अनीस भानवाला ने जर्मनी के सोहल में टूर्नामेंट में भारत के प्रतिनिधित्व को जारी रखते हुए 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। अगला सरबजोत सिंह जर्मनी के सोहेल में ISSF जूनियर विश्व कप टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। अगला खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन गोल्डन बेबी लीग हैंडबुक 2019-20 लॉन्च किए। कॉलिन मोरीकावा ने यूएस पीजीए खिताब जीता है। अमेरिकी कॉलिन मोरीकावा ने बारगुड़ा प्रतियोगिता में यूएस पीजीए खिताब जीता है। यूएस पीजीए खिताब में उनकी पहली जीत है। अगला फ्रांस और मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूर्व डिफेंडर फेट्टी सेवरा ने अपने संन्यास की घोषणा की है। अगला हेमा दास ने 400 मीटर में वापसी की है, 5वां गोल्ड हासिल किया। भारतीय धावक हेमा दास ने अपनी सनसनीखेज दौड़ का विस्तार करते हुए महीने का 5वां गोल्ड जीता। उन्होंने चेक गणराज्य के 9 मेस्टा में 52.9 सेकंड में सीजन के सर्वश्रेष्ठ समय के साथ अपने प्रिय 400 मीटर प्रतियोगिता में वापसी की। उन्हें डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। याद रखिए तो हिमा दास का दूसरा नाम है डिंग एक्सप्रेस बोला जाता है। अगला है BCCI ने भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन को मंजूरी दी है। BCCI ने भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन को मंजूरी दी है। ICA फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन से संबंध नहीं है और केवल पूर्व पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए ही है। भारत के पूर्व क्रिकेटर कपिल देव, अजीत अगरकर और संता रंगास्वामी ICA के निदेशक हैं। अगली बात करते हैं प्रेसिडेंट कप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज सेवा थापा कजाकिस्तान के अस्ताना में फाइनल वॉक ओवर प्राप्त करने के बाद प्रेसिडेंट कप मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता बने। अगले बात करते हैं रविंद्र मलिक ने मिस्टर साउथ एशिया का खिताब जीता। भारतीय बॉडी बिल्डर रविंद्र मलिक ने मिस्टर साउथ एशिया का खिताब जीता। उन्होंने काठमांडू में 12वीं साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग और शारीरिक खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। अगली बात करते हैं जापान की अकाने यामागुची ने इंडोनेशिया ओपन खिताब जीता है। जापान की अकाने यामागुची ने इंडोनेशिया ओपन BWF टूर सुपर 1000 टूर्नामेंट जकार्ता इंडोनेशिया में जीता है। उन्होंने भारत की पीवी सिंधु को हराया। अगली बात करते हैं WBA वेल्टर वेट खिताब। फिलिपिनो के दिग्गज मैनी पैकवाओ ने कीथ थर्मन के खिलाफ विभाजित नेडर की जीत के बाद WBA वेल्टर वेट प्रतियोगिता अपने नाम की है।
अगली बात करते हैं, सर सैन लॉरी ने ब्रिटिश ओपन खिताब जीता। आयरिश मैन सैन लॉरी ने रॉयल पोर्टस में अपना पहला प्रमुख गोल खिताब ब्रिटेन ओपन जीता है। अगली बात करते हैं, जॉन इश्नर ने हॉल ऑफ फेम टेनिस चैंपियनशिप जीती। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी जॉन इश्नर ने न्यू पोर्ट रोड आइसलैंड में हॉल ऑफ फेम टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगली बात करते हैं, एडम पीटी ने 57 सेकंड के अवरोध और 100 मीटर वेस्ट स्टॉक विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वेटन के तैराक एडम पीटी ने दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में विश्व प्रतियोगिता में पुरुषों के 100 मीटर वेस्ट स्टॉक में विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उन्होंने 57.10 सेकंड का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। 41 अभय तनवी ने बंगाल ओपन, अगला है हमारा, अभय तनवी ने बंगाल ओपन स्क्वैश खिताब जीता है। तमिलनाडु के अभय और तनवी खन्ना ने 6ठे बंगाल ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में क्रमशः पुरुष महिला खिताब जीते। इससे पहले अंडर 15 श्रेणी में 5वीं वरीयता प्राप्त तमिलनाडु की समीना रियाज ने महाराष्ट्र में शीर्ष वरीयता प्राप्त सोनिया बजाज को हराया। अगली बात करते हैं, क्रिस्टोफ मिलक 200 मीटर बटरफ्लाई स्ट्रोक में फिलिप्स के रिकॉर्ड को तोड़ा है। हंगेरियन क्रिस्टोफ ने मिलक ने माइकल फिलिप्स के लंबे समय तक चले विश्व रिकॉर्ड को 200 मीटर बटरफ्लाई में ग्वांगजू में वर्ल्ड एक्वेटिक्स प्रतियोगिता में तोड़ दिया। हंगेरियन क्रिस्टोफ मिलक ने 1:50.73 में फाइनल जीता है। 2019 में फिलिप्स द्वारा 1:51.51 का पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगली बात करते हैं, निकोलोज वासिला सोली ने जर्मन टेनिस प्रतियोगिता जीती। उन्होंने जर्मन टेनिस प्रतियोगिता में अपने खिताब को सफलतापूर्वक बचाते हुए एंडी रोवलेव को हराया है। इस जीत के साथ वह 2004-05 में रोजर फेडर के बाद लगातार वर्षों में इस खिताब को जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। अगली बात करते हैं, डेसेल ने 100 मीटर बटरफ्लाई स्ट्रोक में फिलिप्स रिकॉर्ड को तोड़ा है। अमेरिकी स्टार शेलिव डेसेल ने ग्वांगजू में वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में 100 मीटर बटरफ्लाई में माइकल फिलिप्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। शेलिव डेसेल ने सेमीफाइनल 49.50 सेकंड का समय लिया, माइकल फिलिप्स द्वारा बनाए गए 49.82 सेकंड के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अगला हमारा टूर ऑफ फ्रांस खिताब। फ्रांस के पेरिस में समाप्त हुए टूर डे फ्रांस को एगन वर्नल जीतने वाले पहले कोलंबियन बन गए। उन्होंने गत विजेता वेटन के गेरेंट थॉमस को 1:11 सेकंड में से हराया। अगला है दलीला मोहम्मद ने 400 मीटर बाधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया। ओलंपिक चैंपियन दलीला मोहम्मद ने यूएस चैंपियनशिप में 400 मीटर बाधा दौड़ में शानदार प्रदर्शन के साथ महिलाओं के एथलीट्स में सबसे लंबे समय तक रहने वाले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 2020 टोक्यो ओलंपिक में टेबल टेनिस मिक्स्ड डबल्स इवेंट की सुविधा होगी। ओलंपिक खेलों के इतिहास में पहली बार टेबल टेनिस मिक्स्ड डबल्स इवेंट को एक नए टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम्स में जोड़ा गया है। पृथ्वी शो बीसीसीआई ने डंपिंग उल्लंघन के लिए निलंबित कर दिया। पृथ्वी शो को डंपिंग उल्लंघन के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 8 महीने के लिए निलंबित कर दिया। सो पर बीसीसीआई के डंपिंग रोधी नियमों के तहत एक एंटी डोपिंग रूल वायलेशन में कमीशन का आरोप लगाया गया था। अगली है स्नाइपर फ्रंटियर प्रतियोगिता 2019। भारतीय सेना की 9 सदस्यीय टीम ने 3 अगस्त से 17 अगस्त 2019 तक अंतरराष्ट्रीय सेना खेलों को भाग के रूप में स्नाइपर फ्रंटियर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बेलारूस रवाना हो गई। अगली बात करते हैं, फीफा महिला विश्व कप 2019। अमेरिकी महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम 2019 फीफा फीफा महिला विश्व कप फाइनल में नीदरलैंड को 2-0 से हराया। मेजबान देश था फ्रांस। अमेरिका ने अपना 4था महिला विश्व कप खिताब जीता है। इसमें 1991, 1999, 2015, 2019 हासिल किया है। यह संख्या किसी अन्य राष्ट्र के महिला विश्व कप टूर्नामेंट जीतने के अपेक्षा दुगनी है। अमेरिका के जिस एलिस 2 फीफा महिला विश्व कप खिताब जीतने वाले पहले कोच बने हैं।
अगली बात करते हैं, ब्राजील ने पेरू को फाइनल में हराकर कोपा अमेरिका 2019 का खिताब जीता है। तो याद रखिए, ब्राजील ने पेरू को फाइनल में हराकर कोपा अमेरिका 2019 का खिताब जीता है। अगले, राहुल द्रविड़ को बीसीसीआई द्वारा एनसीए का क्रिकेट प्रमुख नियुक्त किया गया। भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड ने पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में क्रिकेट प्रमुख नियुक्त किया है। अगला, आईओए के अध्यक्ष नरेंद्र बत्ता को आईओसी में चुने गए हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्ता को स्विट्जरलैंड के लोसाने में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है। अगला, भारतीय पेशेवर मुक्केबाज ने डब्ल्यूबीसी एशिया खिताब, भारतीय पेशेवर मुक्केबाज वैभव यादव ने डब्ल्यूबीसी एशिया सिल्वर बेल्टर वेट चैंपियनशिप बने। उन्होंने थाईलैंड के पट्टाया में आयोजित खिताबी मुकाबले में थाईलैंड के फाह तेज सिंह मनास को हराया। अगला, भारत आईबीएसएफ स्नूकर विश्व कप फाइनल में पाकिस्तान का से हार गया। दोहा में आयोजित आईबीएसएफ स्नूकर विश्व कप के फाइनल में भारतीय टीम पाकिस्तान से हार गई है। भारतीय खिलाड़ी खिताबी मुकाबला 1-3 से हार गया। पंकज आडवाणी और लक्ष्मण रावत ने विश्व कप में फाइनल में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। अगली बात है, अंबाती रायडू ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की ले लिया। भारतीय बल्लेबाज अंबाती रायडू ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अगला, ग्रीष्मकालीन विश्वविद्यालय खेलों में दूती चंद ने स्वर्ण पदक जीता है। उड़ीसा के दूती चंद ने इटली के नेपल्स में 30वें ग्रीष्मकालीन विश्वविद्यालय से खेलों में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। अगला, मैग्नस कार्लसन ने 2019 क्रोएशिया ग्रैंड शतरंज टूर का खिताब जीता है। अगला, अर्जेन रोबेन ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। जर्मन क्लब वार्न म्यूनिक की ओर से 10 वर्ष तक खेलने के बाद 35 वर्ष की आयु में अर्जेन रोबेन ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। अगला, हमारा ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज 2019 मैक्स वेस्टरपेन रेडबुल जीता है। एक पैरा एथलीट तोरण यादव ने 3 वर्ल्ड बेल्ट योग चैंपियनशिप 2019 में 3 पदक जीते। छत्तीसगढ़ के खट्टी गांव के दिव्यांग लड़के तोरण यादव ने बुल्गारिया के सूफिया में आयोजित 4th वर्ल्ड बेल्ट योग महोत्सव और चैंपियनशिप 2019 में भारत के लिए 3 स्वर्ण पदक जीते अगला, पोलैंड में आयोजित 2019 पोटनो एथलेटिक्स मीट में असम की हिमादास ने महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में 23.57 सेकंड के समय में अपना दूसरा अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण जीता है। बीके विस्मया ने 24.6 सेकंड में रजत पदक जीतकर रेस पूरी की है। अगली बात करते हैं, विनेश फोगाट और दिव्या काकरण ने स्वर्ण पदक जीता है। पूजा डंडा ने स्पेन की रेसलिंग ग्रांड प्री 2019 में रजत पदक जीता है। अगला, एला वेनिल वलारी वन ने वला रीवन ने इटली के नेपाल में आयोजित 30वें ग्रीष्मकालीन यूनिवर्सियाड खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। अगला, विश्व युवा कप 2019 को एशिया के उमाग में आयोजित हुए कराटे खेलने वाले एक 10 वर्षीय लड़की अरिंजिता डे वारासात पश्चिम बंगाल ने क्रोएशिया के उमाग में आयोजित विश्व युवा कप 2019 में 12 वर्ष से कम आयु में वर्ग में रजत पदक जीता है। अगली बात करते हैं, 34वें नौकायन चैंपियनशिप तेलंगाना में शुरू हुई। हैदराबाद सेलिंग वीक नेशनल रैंकिंग मल्टी क्लास चैंपियनशिप 2019 के 34वें संस्करण का तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ESL नरसिम्हा द्वारा हैदराबाद तेलंगाना में उद्घाटन किया गया। अगली बात करते हैं, वीर चौट रानी ने स्वेग इसके वेज में एशियाई अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। वीर चौट रानी चीन के मकाऊ में आयोजित 26वीं एशियाई जूनियर व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप 2019 का अंडर 19 वर्ग जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए। इसका आयोजन मकाऊ स्क्वैश एसोसिएशन द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं जून 2019 के खेल से संबंधित खेलों की और उससे संबंधित जानकारी। चलिए, तो अब आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 30 मई से 14 जुलाई 2019 तक इंग्लैंड और वेल्स द्वारा आयोजित किया जाएगा।
खेले गए मैचों की कुल संख्या 48। फाइनल मैच में मैच खेला जाएगा लॉर्ड्स लंदन। लॉर्ड्स अपने पांचवे क्रिकेट विश्व कप फाइनल की मेजबानी करेगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2015 का विजेता था ऑस्ट्रेलिया। वर्ष 1975, 79, 83, 99 विश्व कप के बाद इंग्लैंड और वेल्स में पांचवी बार विश्व कप आयोजित किया जा रहा है। अगला, रोहित शर्मा ने विश्व कप में सर्वाधिक शतकों का विश्व रिकॉर्ड बनाया। भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा विश्व कप में 5 शतक बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ विश्व कप का अपना 5वां शतक चलाया। उन्होंने शेष 4 शतक दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, इंग्लैंड, बांग्लादेश के खिलाफ लगाए। रोहित शर्मा ने श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा के रिकॉर्ड को तोड़ा, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए 2015 विश्व कप में 4 शतक लगाए थे। रोहित शर्मा ने विश्व कप के कुल शतकों में सचिन तेंदुलकर की बराबरी की है। दोनों भारतीयों के नाम 6 शतक हैं। अगली बात करते हैं, अफगानिस्तान के बल्लेबाज इकराम अली ने खेलने सचिन तेंदुलकर के लंबे समय में विश्व कप रिकॉर्ड को तोड़ा है। अफगानिस्तान के बल्लेबाज इकराम अली ने अली खेलने सचिन तेंदुलकर के विश्व कप इतिहास में 80+ रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड तोड़ा। इकराम अली के बिल ने खेलने 18 साल और 278 दिन की आयु में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अफगानिस्तान के आर्थिक लीग में मैच में 86 रन बनाए। तेंदुलकर ने 1992 में जिम्बाब्वे के खिलाफ विश्व कप मैच में 18 साल 318 दिन की आयु में 81 रन बनाए थे। अगली बात करते हैं, राशिद खान विश्व कप इतिहास के सबसे महंगे गेंदबाज बने। इंग्लैंड के खिलाफ 9 ओवर में 110 रन बनाने के बाद अफगानिस्तान के लीग स्पिनर राशिद खान ने आईसीसी विश्व कप का मैच में खराब गेंदबाजी आंकड़े का रिकॉर्ड दर्ज किया। 12 ओवर में 105 रन बनाने का पिछला रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के मार्टिन स्नेडेन के नाम था। अगला, विराट कोहली सबसे तेज 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले क्रिकेटर बने। विराट कोहली सबसे तेज 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले क्रिकेटर बने। उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 417 पारियां खेली और सचिन तेंदुलकर तथा ब्रायन लारा जैसे महान खिलाड़ियों से कम पारियां ली। वेस्टइंडीज के खिलाफ विश्व कप टूर्नामेंट में भारत के 6वें मैच में 30 स्कोर के ऊपर पहुंचने से ही भारतीय कप्तान इस मुकाम पर पहुंचे। अगली बात करते हैं, आईओसी ने स्विट्जरलैंड के लुसाने में नया मुख्यालय खोला। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने स्विट्जरलैंड में ओलंपिक खेलों में को पुनः विचलित करने के 125 वर्ष बाद औपचारिक रूप से नया मुख्यालय खोला। अगली बात करते हैं, आईओसी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लिया है। फरवरी 2019 में दिल्ली में आयोजित ISSF विश्व कप के लिए पाकिस्तानी निशानेबाजों को वीजा जारी नहीं किए जाने के बाद भारत पर प्रतिबंध लगाए गए थे। अगली बात करते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 स्थल टोक्यो जापान में। जापान 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 तक टोक्यो में आयोजित होने वाले 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का मेजबान देश होगा। अगली बात करते हैं, 58 में ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक एथलेटिक्स मीट में भारत को कांस्य पदक मिला है। अनु रानी ने एक IIIF वर्ल्ड चैलेंज इवेंट में 58वीं ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की भाला फेंक प्रतियोगिता में कांस्य जीता है। अनु रानी उत्तर प्रदेश की एक भाला फेंक खिलाड़ी है। अगली बात करते हैं, निशानेबाजी खेल वर्ष 2022 राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर हुए। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल 27 जुलाई से 7 अगस्त 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किए जाएंगे। अगली बात करते हैं, एशियाई पुरुष स्नूकर चैंपियनशिप, पंकज आडवाणी ने दोहा में आयोजित 35वें एशियाई पुरुष स्नूकर चैंपियनशिप हासिल किया।
अगला हमारा एशियन आर्टिस्टिक जिमनास्टिक चैंपियनशिप में भारत को कांस्य पदक मिला है। भारत की जिमनास्टिक प्रणति नायक ने सीनियर एशियन आर्टिस्टिक चैंपियनशिप की वर्ल्ड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। चैंपियनशिप मंगोलिया के ओलान बतूर में आयोजित की गई थी। अगला हमारा फर्नांडो टोरिस ने फुटबॉल से संन्यास लिया। स्पेनिश फुटबॉल फर्नांडो टोरिस ने जो 2010 विश्व कप विजेता टीम स्पेन का हिस्सा थे उन्होंने फुटबॉल से अपने संन्यास की घोषणा की। अगला है भारतीय महिला हॉकी टीम FIH सीरीज के फाइनल में जापान को हराया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को हराकर FIH सीरीज फाइनल जीता है। टीम ने 2-1 से के स्कोर के साथ जीत हासिल किया। सीरीज जापान में आयोजित की गई थी। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब रानी रामपाल ने हासिल किया है। अगली बात करते हैं फ्रांस ग्रैंड प्री 2019 लुइस हैमिल्टन ने जीता है। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ड्राइवर हैं। अगला है मार्कस टेस्कोथिक ने क्रिकेट से संन्यास लिया है। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज मार्कस टेस्कोथिक ने पेशेवर क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 43 वर्षीय टेस्कोथिक ने वर्ष 2000 से 2006 के बीच इंग्लैंड के लिए 76 टेस्ट मैच खेले और 43.79 के औसत से 5825 रन बनाए। अगली बात करते हैं प्रोजनैन एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में हिमा दास ने स्वर्ण पदक जीता। अंडर 20 विश्व चैंपियंस हेमा दास ने प्रोजनैन एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। प्रोजनैन एथलेटिक्स ग्रैंड प्री प्रोजेन पोलैंड में आयोजित हुई थी। अगला है भारत ने 2023 IOC सत्र की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा है। भारत ने मुंबई में 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी करने का प्रस्ताव पेश किया। इसे वर्ष 2030 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मेजबान शहर चुने जाने की उम्मीद है। इससे पहले भारत ने 1983 में नई दिल्ली में 86वें IOC सत्र की मेजबानी की थी। अब बात करते हैं इटली 2026 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। इटली के शहर मिलान को 2026 शीतकालीन ओलंपिक का मेजबान चुना गया है। अगला हमारा कोका कोला और चीनी डेयरी फर्म ने ओलंपिक स्पॉन्सरशिप पर हस्ताक्षर किए। कोका कोला और चीनी डेयरी फर्म मैंगनीरू ने वर्ष 2021 से 32 तक होने वाले ओलंपिक खेलों के संयुक्त आयोजक के लिए एक बहुवर्षीय वैश्विक ओलंपिक समिति पर हस्ताक्षर किए। अगली भारतीय महिला रग्बी टीम ने पहली अंतर्राष्ट्रीय जीत दर्ज किए। भारतीय महिला रग्बी टीम ने फिलीपींस के मनीला में आयोजित एशियाई महिला रग्बी 15 चैंपियनशिप डिवीजन 1 में सिंगापुर को हराकर अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय जीत हासिल की है। अगला 10वां हाले ओपन 2019 खिताब स्विट्जरलैंड के रोजर फेडर ने डेविड गोफिन बेल्जियम को हराकर हाले ओपन 2019 का 27वां संस्करण जीता है। अगला है उड़ीसा 21वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2019 की मेजबानी करेगा। अगला है कर्नाटक की ग्रीस कोशिक भारत के 63वें ग्रैंड मास्टर बने। अगला है भारत महिला रग्बी टीम ने मनीला में इतिहास रचा। भारतीय महिला रग्बी टीम के 26 सदस्यीय दल ने फिलीपींस के मनीला में स्थित साउदर्न फिलीनेंस स्पोर्ट फील्ड में अपना पहला ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय 15वां रग्बी मैच जीतकर इतिहास रचा। अगला फ्रेंच ओपन टेनिस 2019 फ्रेंच ओपन एक ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का 123वां संस्करण था। यह 26 मई से 9 जून 2019 तक फ्रांस के शहर पेरिस में स्टेट रोलैंड ग्रोव में आयोजित किया गया था। विजेताओं की सूची है पुरुष एकल विजेता है स्पेन के राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक एथम को हराया। याद रखिए तो ये फ्रेंच ओपन टेनिस 2019 के विजेता है राफेल नडाल। इस जीत के साथ राफेल नडाल ने 12वीं बार फ्रेंच ओपन खिताब जीता है और 18वीं बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। वो महिला एकल में ऑस्ट्रेलिया के एसले वार्टी ने चेक गणराज्य की मार्केता बोंडोसोवा को फाइनल में हराया। तो याद रखिए यह ऑस्ट्रेलिया की
एसली वार्टी उसने अपना प्रथम फ्रेंच ओपन टेनिस महिला एकल 2019 में जीता है। महिला डबल्स का बात करें तो हंगरी की टीमिया बाबोस और फ्रांस की कैस्टिना मिलादेनोविक ने फाइनल में चीन की झेंग सेसाई और डुआन हेंगिंग को हराया। मिश्रित युगल खिताब की बात करें तो चीनी ताइपे की लतीसा चान और इवान डोडी गो क्रोएशिया ने कनाडा के गेविला डावोवस्की और क्रोएशिया के मैट फाविक को हरा फाइनल में हराया। अगली बात करते हैं जोसना चिनप्पा ने स्क्वेस में रिकॉर्ड 17वां राष्ट्रीय खिताब जीता है। जोसना चिनप्पा ने अपने तमिलनाडु राज्य के साथ सुनयना कुरुविला को हराकर सबसे अधिक राष्ट्रीय खिताब जीतने का रिकॉर्ड बनाया। अगला एफआईएच मैन सीरीज के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 5 गोल से हराया। अगला दो बार के गद विजेता ब्रोक का को हराकर गैरी वोडलैंड 119 बार यूएस ओपन गोल्ड के खिलाफ जीते। अगला है फीफा नवीनतम क्रम सूची दो भारत 101 पर स्थित है। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 101वें स्थान पर रही। बेल्जियम समग्र विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर जारी रहा। इसके बाद फ्रांस ब्राजील इंग्लैंड पुर्तगाल है। अगला है पीटर गिलक्रिस्ट ने पैसिफिक इंटरनेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती। फाइनल में पीटर गिलक्रिस्ट ने भारत के सौरभ कोठारी को हराया। अगला है 2019 फीफा महिला विश्व कप की शुरुआत। 2019 फीफा महिला विश्व कप का 8वां संस्करण है। अगला युवराज सिंह ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। युवराज सिंह ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। 37 वर्षीय क्रिकेटर ने मुंबई में अपने फैसले की घोषणा की है। युवराज ने भारत के लिए 40 टेस्ट 304 वनडे और 58 T20I खेले। उन्होंने सबसे लंबे पारियों में 1,019 रन बनाए। एक दिवसीय मैचों में 87 वह पैरू उन्हें सबसे अधिक सफलता मिली। अगले शीर्ष भुगतान वाले एथलीटों की सूची में कोहली एकमात्र भारतीय है। 100वें स्थान पर विराट कोहली $25 मिलियन की अनुमानित वार्षिक आय के साथ दुनिया के सबसे अधिक भुगतान वाले एथलीटों की सूची में एकमात्र भारतीय बने। एक इस सूची में बार्सिलोना और अर्जेंटीना फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी शीर्ष स्थान पर है। सूची में शीर्ष मात्र एथलीट हैं लियोनेल मेसी, उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार, फिर कैनेलो अल्वारेज और फिर रोजर फेडर। अगली बात करते हैं मर्सिडीज के लुईस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 कनाडाई ग्रैंड प्री जीता है। अगला है सुनील छेत्री भाईचंद भूटिया के 107वां अंतरराष्ट्रीय मैच को पीछे छोड़ते हुए भारत के सर्वाधिक कैप्टन खिलाड़ी बन गए। अगला हमारा IIAAF विश्व एथलेटिक्स जिस एथलेटिक्स के शासी निकाय के रूप में रिवांड करना इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन विश्व एथलेटिक्स के रूप में खुद को फिर से ब्रांड बनाएगा। रिवांडिंग का संचालन अक्टूबर 2019 से होगा। अगली बात करते हैं फेसबुक ने भारत में अपना पहला इंटरएक्टिव गेम शो लॉन्च किया है। सोशल नेटवर्किंग की दिग्गज कंपनी फेसबुक ने अपना पहला इंटरएक्टिव गेम शो का प्रमोशन 4 जून 2019 को भारत में किया, जिसका शीर्षक है कन्फेटी रखा गया। प्रमोशन की घोषणा फेसबुक के सोशल इंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित की गई थी। अब बात करते हैं लोग मई 2019 में हुए खेल उनसे संबंधित जानकारी की। अंगला सुधीर रमन कप 2019 चीन ने जापान को हराया। चीन ने पुरुष और महिला एकल और पुरुष एकल में जापान को हराकर सुधीर मन कप 2019 जीता है। अगली बात करते हैं लुईस हैमिल्टन ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2019 जीता है। क्रिकेट विश्व कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक एसिस रे ने लिखी है। रे ने 1975 में नई किताब के संस्करण WCS के उद्घाटन के बाद से विश्व कप में भारतीय क्रिकेट की यात्रा को कम कर दिया है। अगली बात करते हैं ICC ने पुरुषों के विश्व कप की पूर्व संध्या पर क्रेयो की अभियान की शुरुआत की है। यह सभी शानदार और अनूठे तरीके से लोगों को क्रिकेट गेम खेलने का उत्सव है जो किसी भी समय कहीं भी और किसी भी समय खेला जा सकता है। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का स्थान इंग्लैंड और वेल्स है।
अगली बात करते हैं भारत के की जी एस लक्ष्मी प्रथम आईसीसी मैच रेफरी बनी। भारत की पूर्व महिला क्रिकेटर जी एस लक्ष्मी आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी के लिए नियुक्त होने वाली पहली महिला है। अप्रैल 2019 में ऑस्ट्रेलिया के की क्लेयर पोलोसा पुरुषों की अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय मैच में खड़े होने वाली पहली महिला एम्पायर बन गई। अगली बात है मैड्रिड स्पेन में यूईएफए चैंपियनशिप लीग फुटबॉल ट्रॉफी फाइनल जीतने के लिए लिवरपूल ने टोटेनहम हॉटस्पर को 2-0 से हराया। अगला है आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में म्यूनिक जर्मनी में भारत सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल गोल्ड जीता है, जिसमें उन्होंने अपना विश्व रिकॉर्ड बनाया। दूसरा ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया था। अगला है चीन 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला है। अगला है स्पेनिश ग्रैंड प्री मास्टर्स की लुई हैमिल्टन ने स्पेन ग्रैंड प्री जीता है। लुई हैमिल्टन ने 2019 का बहरीन और चीन ग्रैंड प्री भी जीता था। सना मीर ओडीआई में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली स्पिनर बन गई। पाकिस्तान की ऑफ स्पिनर सना मीर अपना 147वां विकेट लेने के बाद इतिहास में सबसे सफल महिला वनडे स्पिनर बन गई है, जो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी स्पिनर द्वारा सबसे अधिक लिए गए विकेट है। वर्तमान में मीर को आईसीसी की ओडीआई गेंदबाजी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर रखा गया है, जिसमें भारतीय तेज गेंदबाज जुगलन गोस्वामी द्वारा सर्वश्रेष्ठतम स्थान प्राप्त है। अगली बात करते हैं एगोर स्टिक मेक को भारतीय फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया। क्रोएशिया के एगोर स्टिक मेक को 2 साल के लिए कार्यकाल के लिए भारतीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। एक खिलाड़ी के रूप में वह क्रोएशिया टीम का हिस्सा थे, जो 1998 विश्व कप में तीसरे स्थान पर था, और राष्ट्रीय टीम का एक सदस्य जो इंग्लैंड में UEFA यूरोपीय चैंपियनशिप 1996 के क्वार्टर फाइनल के लिए योग्य था। अगली बात करते हैं मैनचेस्टर सिटी और बार्सिलोना के पूर्व मिडफील्डर याया टोरे ने आधिकारिक तौर पर फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने आइवरी कोस्ट के लिए खेलते हुए 2015 अफ्रीका कप ऑफ नेशंस पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने 2011 12 13 14 में अफ्रीकी फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया था। अगला है मैड्रिड ओपन 2019। मैड्रिड ओपन एक पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट है, जो स्पेन के मैड्रिड पार्क के मंजानारेस में आउटडोर क्ले कोर्ट में खेला जाता है। विजेताओं की सूची है पुरुषों में नोवाक जोकोविच सर्बिया के ने फाइनल में स्टेफानोस सिपस ग्रीस को हराया। महिला एकल में कीकी और टेंस ने नीदरलैंड ने सेमोना हालेप सोमानिया को फाइनल में हराया। इटालियन ओपन 2019 विजेताओं की सूची इस प्रकार है, पुरुष एकल में राफेल नडाल स्पेन ने नोवाक जोकोविच को हराया। महिला एकल में कारो लीना फिलिस पिली सकोवा चेक गणराज्य ने फाइनल में जोहन्ना कोंटा यूनाइटेड किंगडम को हराया। तो याद रखिए राफेल और कारोलिना फिलिक सकोवा है दोनों विजेता इटालियन ओपन 2019 के। बैडमिंटन विश्व महासंघ ने बैडमिंटन खेल के 2 नए स्वरूप को लॉन्च किया है, जिसका नाम है ईयर बैडमिंटन और ट्राइवल्स। ईयर बैडमिंटन एक आउटडोर गेम है, इसमें कोर्ट के नए आयाम है और एक एयर शटल नामक एक अभिनव आउटडोर शटल कॉक है। तिकड़ी के रूप में बैडमिंटन मैच कुल 3 खिलाड़ियों की टीम के बीच खेला जाएगा। प्रत्येक टीम में कम से कम एक महिला खिलाड़ी होना अनिवार्य है। साथ ही खिलाड़ियों को क्रमिक रूप से रिटर्न मारने की अनुमति नहीं है। अगला हमारा मैनचेस्टर सिटी ने लगातार दूसरे बार इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल खिताब जीता है। लिवरपूल ने लीग में 2रा स्थान प्राप्त किया है। अगला इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2019 का 12वां संस्करण, मुंबई ने चेन्नई को 1 रन से हराकर 4था आईपीएल खिताब जीता है। मुंबई इंडियंस के कप्तान थे रोहित शर्मा, चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान थे एमएस धोनी। मैन ऑफ द मैच मिला है जसप्रीत बुमराह। इससे पहले मुंबई 2013-15-17 आईपीएल खिताब जीत चुके हैं। कैप धारण ऑरेंज कैप डेविड वार्नर 692 रन, पर्पल कैप इमरान ताहिर 26 विकेट, एम बी पी आंदे रसेल
510 रन 11 विकेट। अन्य पुरस्कार शुभमन गिल वर्ष के उभरते खिलाड़ी, सनराइज हैदराबाद राइट स्पिरिट अवार्ड में खेलते हुए, हार्दिक पांड्या सीजन का सबसे तेज शतक 17 गेंद अर्धशतक 17 गेंदों में 50 रन, आंदे रसेल सीजन के सुपर स्ट्राइकर, केएल राहुल सीजन के स्टाइलिश खिलाड़ी, राहुल चाहर सीजन के गेम चेंजर। अगला है हमारा अमूल 2019 विश्व कप में अफगानिस्तान का प्रायोजक होगा। अमूल को 30 मई को इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित होने वाले आगामी विश्व कप के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजक घोषित किया गया। अमूल ब्रांड का लोगो पूरी प्रतियोगिता के दौरान अफगानिस्तान टीम की जर्सी के साथ साथ प्रशिक्षण किट पर दिखाई देगा। भारतीय निशानेबाज अपूर्वी चंदेला महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व में पहले स्थान पर आई। अगला हमारा एशियाई युवा महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप जयपुर अगस्त 2019 में 8वीं एशियाई युवा महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। पिछला संस्करण 2017 में इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित किया गया था। अगला हमारा स्पेन और बार्सिलोना क्लब के खिलाड़ी जेबी हर्नांडेज ने घोषणा की कि वह मौजूदा सत्र के अंत में पेशेवर फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे। अगला है श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा मेरिले वोन क्रिकेट क्लब के पहले गैर बेटिक अध्यक्ष होंगे। अब हमारा अप्रैल 2019 के खेल और उससे संबंधित महत्वपूर्ण घटना है। तो हमारा आज लान साहे हॉकी कप 2019 दक्षिण कोरिया ने सुल्तान अजलान शाह कप 2019 फाइनल में भारत को हराया। फाइनल मैच में मलेशिया की इपोह में अजलान शाह स्टेडियम में आयोजित किया गया था। संतोष ट्रॉफी 2019 की बात करें तो सेना ने लुधियाना और पंजाब में आयोजित फाइनल में पंजाब को 1-0 से हराकर प्रीमियर घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी का 73वां संस्करण जीता। ट्रॉफी का नाम संतोष अब बांग्लादेश में कि दिवंगत महाराजा सर मन्मथ नाथ रॉय चौधरी के नाम पर रखा गया। अगला है बार्सिलोना ओपन 2019 डोमिनियन थेम ऑस्ट्रेलिया ने डेनियल मेदवेरा को हराकर बार्सिलोना ओपन जीता है। तो याद रखिए डोमिनिक थेम। मियामी ओपन 2019 तो पुरुष एकल में रोजर फेडर स्विट्जरलैंड ने जॉन इस्नर अमेरिका को हराया। महिला एकल में इसले वार्टी ने ऑस्ट्रेलिया ने कैरोलिना पिल्ली सिकोवा गणराज्य को हराया। अगला फीफा कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल फीफा कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय ने। अगला पुरुषों के एक दिवसीय क्रिकेट मैच में पहली महिला अंपायर ऑस्ट्रेलिया के क्लियर पोलोसेक आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन में पुरुषों के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बन जाएंगी। अगला अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2019 मर्सिडीज ड्राइवर वाल्टेरी बोटास ने अपने ब्रिटिश साथी लुइस हैमिल्टन को हराया। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2019 तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है। सौरभ घोषाल नवीनतम प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन बेस्ट रैंकिंग में शीर्ष 10 जगह बनाने वाले पहले भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी बने। अगला है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ऑस्ट्रेलिया चुने गए। अगला इंडिया ओपन 2019 बैडमिंटन तो पुरुष एकल में विक्टर एक्सेल सेन डेनमार्क ने श्रीकांत किदाम्बी को हराया। महिला में रेतचा नोक इंतानोन थाईलैंड ने ही बिंग जियांग जियाओ को चीन को हराया। तो इसमें विक्टर एक्सेलसेन डेनमार्क और रेतजा नोक इंता नोन थाईलैंड दोनों विजेता रहे। अगली बात करते हैं मुक्केबाजी विश्व कप 2019 भारत ने जर्मनी के कोलोगने में आयोजित मुक्केबाजी विश्व कप में 1 स्वर्ण और 2 रजत जीते। मीना कुमारी मैसना मणिपुर ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। अगला हमारा बैडमिंटन खिलाड़ी हर्षिल दानी ने डच इंटरनेशनल बैडमिंटन खिताब जीता है। पूर्व जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप हर्षिल दानी ने डेनमार्क के मैट्स क्रिस्टोफेसन को हराकर नीदरलैंड के हेग में डच अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खिताब जीता है। अगला हमारा लुइस हैमिल्टन ने फॉर्मूला वन की
1000वीं रेस जीती है। अगला चीनी ग्रैंड प्रिक्स, लुई हैमिल्टन ने रिकॉर्ड 6ठी बार चीनी ग्रैंड प्रिक्स जीती है। अगली अखिल भारतीय टेनिस संघ ने विश्व प्रसिद्ध सर्बियाई कोचों को के तहत भारतीय जूनियर खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए सर्बियाई टेनिस फेडरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अगला पेरिस मैराथन, इथोपिया के एथलीटों ग्लेटे बुरका और अब्राह मिलो ने पेरिस मैराथन के 43वें संस्करण में जीत हासिल किए। अगला टाइगर वुड्स ने गोल्फ में 15वां खिताब हासिल करते हुए 2019 मास्टर्स जीता। प्रसिद्ध गोल्फर टाइगर वुड्स ने 5वीं ग्रैंड जैकेट हासिल करके मास्टर्स में 11 साल के प्रमुख खिताब के अकाल को समाप्त करते हुए खेल में पुनः वापसी की है। अगले बजरंग ने विश्व कुश्ती रैंकिंग में पुनः शीर्ष स्थान हासिल किया। बजरंग पुनिया ने पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में रैंकिंग में दुनिया नंबर का एक स्थान हासिल किया। अगला है फीबिया होगनी रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स में एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाली पहली इतालवी खिलाड़ी बने। उन्होंने दुसान लुजोविक सर्बिया को हराया। अगला है कतर के दोहा में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 आयोजित हुई। भारत ने 3 स्वर्ण 7 रजत 7 कांस्य के साथ पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। बहरीन ने 11 स्वर्ण 7 रजत 4 कांस्य के साथ तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। चीन ने 9 स्वर्ण 13 रजत 7 कांस्य के साथ दूसरा स्थान। जापान ने 5 स्वर्ण 4 रजत 9 कांस्य के साथ तीसरे स्थान पर रहा। अगला पंकज आडवाणी ने एशियाई स्नूकर टूर खिताब जीता है। अगला है हमारा स्टटगार्ट की पोस्ट ग्रैंड प्रिक्स 2019 टेनिस खिलाड़ी पेट्रा क्वीटोवा चेक गणराज ने एनेट कोंटावीट एस्टोनिया को हराकर स्टटगार्ट के पोस्ट ग्रैंड प्रिक्स को हासिल करके वर्ष का दूसरा खिताब जीता है। अगला है हमारा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2019 ईरान पदक में शीर्ष पर रहा है। ईरान ने 11 स्वर्ण 0 सिल्वर 6 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। चीन ने 5 स्वर्ण 5 रजत 6 कांस्य के साथ दूसरे पायदान पर रहा। जापान 1 4 स्वर्ण 7 रजत 6 कांस्य के साथ तीसरे स्थान पर। भारत 1 स्वर्ण 6 रजत 9 कांस्य के साथ 8वें स्थान पर रहा। तो याद रखिए एशिया कुश्ती चैंपियन में पहले नंबर पर ईरान, फिर 8वें नंबर पर भारत। अगला अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार 2019 के लिए राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के खिलाड़ी गुरप्रीत सिंह संधू और जेजे लाल पेखलुआ के नामों की सिफारिश की। अगला क्रिकेट, मैताली राज को स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का सद्भावना दूत चुना गया। अगला विजडन के वर्ष 2018 के 5 क्रिकेटर, विजडन के ने विराट कोहली को वर्ष 2018 के लिए लैंडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है। भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंदाना को महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है। अफगानिस्तान के राशिद खान को लैंडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है। अब बात करते हैं मार्च 2019 के खेलों की और खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं की। तो इसमें सुरेश रैना ने आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने। चेन्नई सुपर किंग्स के सुरेश रैना ने इंडियन प्रीमियर लीग में 5000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। अगला 32 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ आईपीएल में 2019 में 15 रन बनाने के बाद यह उपलब्धि हासिल की है सुरेश रैना ने। अगला SAFF महिला चैंपियनशिप नेपाल के विराट नगर में आयोजित फाइनल में भारत ने नेपाल को 3-1 से हराया। भारत ने 5वीं बार एशियाई दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला चैंपियनशिप जीती है। भारत ने SAFF चैंपियनशिप के सभी 5 संस्करणों में जीत हासिल की है। अगला हमारा एशियाई युवा चैंपियनशिप 2019 हांगकॉन्ग में आयोजित हुआ। भारत दूसरे स्थान पर, चीन शीर्ष स्थान पर रहा। भारतीय युवा टीम 8 स्वर्ण 9 रजत 9 कांस्य पदक सहित कुल 26 पदकों के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। चीन ने 31 पदकों के साथ 12 स्वर्ण 11 रजत और 8 कांस्य पदक हासिल किए। जापान ने 20 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर 6 स्वर्ण 7 8 रजत 6 कांस्य शामिल किए। तो याद रखिये एशियाई युवा चैंपियनशिप 2019 हांगकॉन्ग में हुई है। इसमें पहले नंबर पर चीन, दूसरे पे भारत, तीसरे पे जापान। अगला है हमारा इंडियन सुपर लीग फुटबॉल खिताब। बेंगलुरु एफसी ने फाइनल में एफसी गोवा को हराकर अपना पहला खिताब जीता है।
ऑस्ट्रेलियन F1 ग्रैंड प्रिक्स 2019 मास्टर्स के वाल्टेरी बोटास ने जीता है। अगला है अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2020 भारत वर्ष 2020 में अंडर अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा। वर्ष 2017 में अंडर 17 पुरुष विश्व कप के बाद यह दूसरा फीफा टूर्नामेंट होगा जिसकी मेजबानी भारत करेगा। फाइनल में स्पेन को 5-2 से हरा करने के बाद इंग्लैंड ने पहली बार अंडर 17 विश्व कप जीता था। अगला विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 संयुक्त अरब अमीरात में विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 जो 14 मार्च से 21 मार्च तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुए थे। इन खेलों में रिकॉर्ड 2200 देशों का स्वागत करते हुए इतिहास रचा। अगले विशेष ओलंपिक खेल 2021 में स्वीडन में आयोजित होंगे। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेलों में 368 पदक जीते जिसमें 85 स्वर्ण 154 रजत और 129 कांस्य। अगला है दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर जेपी डोमिनी ने घोषणा की कि वह इंग्लैंड में होने वाले आईसीसी विश्व कप के बाद एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेंगे। अगला है क्रिस गेल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। वेस्ट इंडीज के सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 या उससे अधिक छक्के लगाने वाले पहले गेंदबाज बन गए। अगला है मकरान कप राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप दीपक सिंह ईरान के चावार में आयोजित मकरान कप में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले पहले एकमात्र भारतीय मुक्केबाज बने। अगला है रोजर फेडर ने अपने करियर का 100वां ATP जीता खिताब जीता है। रोजर फेडर ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में 20 वर्षीय ग्रीक खिलाड़ी स्टेफानोस सिपास को हराकर अपने करियर का 100वां ATP खिताब हासिल किया है। अगला सर्वोच्च न्यायालय ने क्रिकेट संस्था भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अंदर क्रिकेट से जुड़े विभिन्न विवादों के समाधान के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता PES नरसिम्हा को मध्यस्थ नियुक्त किया है। अगला एशियाई खेलों में क्रिकेट को पुनः शामिल किया जाएगा। ओलंपिक काउंसिल ऑफ द एशिया ने चीन के हांगझोंग में आयोजित होने वाले 2022 एशियाई खेलों में पुनः क्रिकेट को पुनः शामिल करने का फैसला किया है। अब बात करते हैं फरवरी 2019 के खेलों की बात उनसे संबंधित जानकारी। तो पहला है हमारा अफगानिस्तान ने अब तक का सर्वोच्च T20 अंतरराष्ट्रीय स्कोर बनाया। अफगानिस्तान ने अपने 20 ओवरों में आयरलैंड के खिलाफ उत्तराखंड के देहरादून में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में T20 में अब तक का सबसे अधिक स्कोर 3 विकेट के अनुमान पर के नुकसान पर 278 रन बनाए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के 263/3 के रिकॉर्ड स्कोर को पार किया जो उन्होंने 2016 में श्रीलंका के खिलाफ हासिल किया था। अगला हमारा ईरानी कप 2018-19 विदर्भ ने शेष भारत को हराकर नागपुर में 2018-19 ईरानी कप पुनः हासिल किया। मुंबई और कर्नाटक के बाद विदर्भ लगातार 2 ईरानी कप खिताब जीतने वाली तीसरी टीम बन गई। अगला हमारा वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज क्रिस गेल ने घोषणा की कि वह आगामी विश्व कप के बाद एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेंगे। अगला क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय खेल का शुभंकर 2020 शुभंकर होगा। राष्ट्रीय खेल 2020 का कार्यकारी समिति की बैठक में खेल युवा मंत्रालय ने स्मिलिंग क्लाउडेड लिपार्ड को राष्ट्रीय खेल 2020 का शुभंकर चुना है। मेघालय वर्ष 2022 राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा जो राज्य के 50वें स्थापना दिवस के समय आयोजित हो रहा है। अगला हमारा कतर ओपन खिताब दुनिया के 21वें नंबर के खिलाड़ी बेल्जियम के एलिस मार्टिन ने दोहा कतर में आयोजित कतर ओपन में दुनिया की नंबर 3 खिलाड़ी सिमोना हालेप को हराकर खिताब जीता है। अगला सफलतम स्क्वेश खिलाड़ी मलेशिया के निकोल डेविड ने संन्यास की घोषणा की। अगला कांस्य इंटरनेशनल ओपन ट्रॉफी भारतीय ग्रैंड मास्टर अभिजीत गुप्ता ने कांस्य इंटरनेशनल ओपन ट्रॉफी जीती है। अगला श्रीलंका क्रिकेट टीम 2-0 से श्रृंखला जीतने के बाद दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट श्रृंखला जीतने वाली पहली एशियाई टीम बन गई। श्रीलंका से पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में दक्षिण अफ्रीका को उनके देश में आयोजित टेस्ट श्रृंखला में हराया था।
अगला है रणजी ट्रॉफी, विदर्भ ने फाइनल में सौराष्ट्र को 78 रन से हराया। तो याद रखिए विदर्भ ने जीती रणजी ट्रॉफी। गत विजेता विदर्भ ने 25 बार रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। विदर्भ के आदित्य सरवटे को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। विदर्भ को अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली छठी टीम बन गई। 41 बार जीत के साथ मुंबई ने टूर्नामेंट को सबसे अधिक बार जीता। रणजी ट्रॉफी का नाम रणजी सिंह विभाजी विभाजी जडेजा के नाम पर रखा गया, जो कि रणजी मान से लोकप्रिय थे। अगले स्मृति मंधाना विश्व की नंबर एक महिला एक दिवसीय बल्लेबाज बन गई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ICC द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग के अनुसार महिला एक दिवसीय क्रिकेट में शीर्ष क्रम की बल्लेबाज बन गई। अगला हमारा स्मृति मंधाना ने भारत का सबसे तेज T20 अर्धशतक बनाया। भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने न्यूजीलैंड के खिलाफ महिला T20 में भारत के लिए केवल 34 गेंदों में सबसे तेज अर्धशतक बनाया। अगला मैताली राज 201 दिवसीय मैच खेलने वाली पहली महिला बनी है। भारत की कप्तान मैताली राज 200 वनडे खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई। वह एक दिवसीय मैचों में 51.33 के औसत से 6,622 रन के साथ सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए, जिनमें 7 शतक शामिल हैं। अगला रिकी पोंटिंग को 2019 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया के सहायक कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के मुख्य कोच जस्टिन लेंगर हैं। अगला गुवाहाटी के में सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का 83वां संस्करण शुरू हो गया। अगला इंग्लैंड की जेमी जेमी चार्डवी चेन्नई में आयोजित MRF चैलेंज किताब के अंतिम दौर में ट्रिपल जीत हासिल करके किताब जीतने वाली पहली महिला ड्राइवर बन गई। अगला फ्रांस की कोरेंटिन मोरटेट ने चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर टूर्नामेंट के एकल अंतिम मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के एंड्री हैरिस को पछाड़कर खिताब जीता। अगला गोल्फर वाड़ी कपूर ऑस्ट्रेलियाई महिला PGA टूर को जीतने वाली पहली भारतीय बन गई। अगला दक्षिण कोरियाई फुटबॉलर सुंग युंग ने सेवानिवृत्त होने की घोषणा की है। अगला हमारा INS द्रोणाचार्य टीम ने एर्नाकुलम चैनल में आयोजित दक्षिणी नौसेना कमान की कोची एरिया पुलिंग रेगाटा 2019 में रेगाटा ट्रॉफी जीती है। अगला विश्व चैंपियनशिप भारतीय भारोत्तोलक सेखो मीराबाई चानू ने थाईलैंड में EGAT कप में 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। अगला है पाकिस्तान महिला टीम की पूर्व कप्तान साना मीर 100 T20 खेलने वाली पहली एशियाई महिला बन गई। 33 वर्षीय मीर पाकिस्तान की सबसे वरिष्ठ महिला क्रिकेटरों में से एक है। 2005 में देश का प्रतिनिधित्व कर रही है 2005 से। अब बात करते हैं जनवरी 2019 की जो खेल हुए उनसे संबंधित जानकारी। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 विजेताओं की सूची। नोवाक जोकोविच ने फाइनल में राफेल नडाल को हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 का खिताब जीता है। इसके साथ ही उन्होंने रिकॉर्ड 7वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब लगातार तीसरा ग्रैंड स्लैम जीता है। नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का 15वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। नवोमी ओसाका ने 2019 में महिला एकल खिताब जीता, यह उनका दूसरा ग्रैंड स्लैम एकल खिताब था। तो याद रखिए नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 जीता। पुरुषों की बात करें तो विजेता रहे नोवाक जोकोविच सर्बिया के, और विजेता है नोवाक जोकोविच सर्बिया के। महिला एकों में नवोमी ओसाका है जापान की, पेट्रा क्यूतोवा है चेक गणराज्य। पुरुष एकल युगल में बात करें तो फेरे ह्यू जेस हर्बर्ट फ्रांस के और निकोलस माहूद फ्रांस के। इनमें उपविजेता रहे हैं हेनरी कॉटन फिनलैंड और जॉन पियर्स ऑस्ट्रेलिया। महिला युगल की बात करें तो सामंथा स्टूसर ऑस्ट्रेलिया, जांग सुवाई चीन, टीमिया वावोस हंगरी, स्टोनी मिलादी नोविच फ्रांस की उपविजेता रहे। मिश्रित युगल की बात करें तो बारबोरा क्रेजी कोवा चेक गणराज्य के, राजीव राम संयुक्त राज्य अमेरिका के, उपविजेता अस्ति शर्मा ऑस्ट्रेलिया, जॉन पेटिट स्मिथ ऑस्ट्रेलिया। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन खिताब 2019, तो इसमें पुरुष एकल में विजेता रहे एंडरसन
तोसेन डेनमार्क के, और विजेता रहे केंटो मोमोता जापान। महिला की बात करें तो साइना नेहवाल भारत की विजेता रही, और कैरोलिना मरिन स्पेन की उपविजेता रही। अब बात करते हैं अगली बात है हमारी खबर, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व हरफन मौला खिलाड़ी जोहान बोथा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपने तत्काल सेवानिवृत्त होने की घोषणा की है। अगला मोहम्मद शमी सबसे तेज 100 एक दिवसीय विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने। नेपियर में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले एक दिवसीय मैच में सबसे तेज 100 एक दिवसीय विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए शमी। शमी इस मुकाम पर अपने 56वें मैच में पहुंचे। इससे पहले यह रिकॉर्ड इरफान पठान के पास था, जिन्होंने 2006 में अबू धाबी में पाकिस्तान के खिलाफ अपने 59वें मैच में यह कारनामा किया था। वर्तमान में इस विश्व रिकॉर्ड अफगानिस्तान के लीग स्पिनर राशिद खान के पास है, जिन्होंने इस संख्या तक पहुंचने के लिए केवल 44 मैच खेले। अगला विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट श्रृंखला जीतने वाले पहले एशियाई कप्तान बन गए। ध्यान दें कि कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए। अगला भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ द्विपक्षीय श्रृंखला के 3 प्रारूपों को जीतने वाली पहली टीम बन गई। विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीनों प्रारूप में द्विपक्षीय श्रृंखला जीतने वाली पहली मेहमान टीम बन गई। अगली बात करते हैं, ऋषभ पंत को आईसीसी वर्ष का उभरता खिलाड़ी घोषित किया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने ऋषभ पंत को वर्ष का उभरता खिलाड़ी घोषित किया। ध्यान दें कि सिडनी में चौथे टेस्ट में नाबाद 159 रन की पारी के साथ ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए। अगला है नेपाल के रोहित पोडेल अंतरराष्ट्रीय शतक बनाने वाले सबसे हुए बल्लेबाज बन गए। अगला है वेस्ट इंडीज के कप्तान जेसन होल्डर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में ऑलराउंडर की सूची में शीर्ष पर 45 सालों में देश के पहले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने ब्रिजटाउन में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में नाबाद रहते हुए दोहरा शतक जमाया, जिससे वेस्ट इंडीज को यादगार 381 रनों से जीत दर्ज करने में मदद मिली है। अगला हमारा अंकिता रैना ने सिंगापुर में ITF का टूर्नामेंट विजयी हुई। भारत की अंकिता रैना ने सिंगापुर में अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ के $25,000 इनामी महिला टूर्नामेंट को जीत लिया है। कार्तिक शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ बॉक मेंस एमच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती है। कतर ने जापान को हराकर फुटबॉल में पहली बार एशियाई कप खिताब जीता है। अगला चेन्नई के मुकेश ने भारत के सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर खिताब जीता है। डी गुकेश 12 साल 7 महीने और 17 दिनों में उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए। स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने भारतीय फुटबॉल टीम के कोच पद से इस्तीफा दे दिया। भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने टीम के एशियाई कप में बहरीन के हाथों 1-0 की पराजय के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस हार के कारण भारतीय टीम एशिया कप से बाहर हो गई। अगला है शकील अहमद ने इंडोर रोइंग में विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो एशिया कप स्वर्ण पदक विजेता शकील अहमद ने कोलकाता में 40 से अधिक आयु वर्ग की श्रेणी में 1,00,000 मीटर की दूरी पूरी करके इंडोर रोइंग में विश्व रिकॉर्ड बनाया। अगला है बेंगलोर रेप्टर्स ने सर्वप्रथम महिला PVL खिताब जीता है। बेंगलोर रेप्टर्स ने अपना पहला प्रीमियर बैडमिंटन लीग खिताब जीता है। बेंगलोर में खेले गए खिताबी मुकाबले में बेंगलोर ने मुंबई रॉकेट्स को 4-3 से हराकर जीत दर्ज की है। अगला जूनियर विश्व खिताब जीतने वाले पहले वाले कार्तिक सिंह सबसे कम उम्र के भारतीय हैं। गुड़गांव के 8 वर्षीय कार्तिक सिंह किट से गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप में अंडर 8 वर्ग में जीत दर्ज की है। अंगेलिया हमारे LV मार्कल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सेवानिवृत्त की घोषणा की है। इस दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपने सेवानिवृत्त होने की घोषणा की है। हरेंद्र सिंह को भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच पद से हटाया गया है। मैरी कॉम ने AIBA रैंकिंग में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। MC मैरी कॉम ने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की नवीनतम विश्व रैंकिंग में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। अगला मिस को 2019 अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस की मेजबानी
लिए सात बार के चैंपियन मिस्र ने अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस के 2019 संस्करण की मेजबानी के अधिकार हासिल किए कर लिए। अगला सीडीबी और वेस्ट बैंड 2020 में $15 मिलियन धनराशि के एटीपी कप की मेजबानी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया शहर सिडनी और वेस्टबर्न को 2020 से कई मिलियन डॉलर के एटीपी कप पुरुष टेनिस खिताब के नवीनतम टीम इवेंट के लिए पहले दो मेजबान स्थलों के रूप में घोषित किया गया। अगला खेल इंडिया यूथ गेम्स 2019 खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण 9 जनवरी से 20 जनवरी 2019 के बीच पूरे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। इसमें महाराष्ट्र 228 पदों के साथ पदक तालिका में सबसे ऊपर है। इसके बाद हरियाणा दूसरे स्थान पर, दिल्ली तीसरे स्थान पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 का पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। महाराष्ट्र में 85 स्वर्ण, 62 रजत, 81 कांस्य, 228 कुल जीते। दिल्ली ने 62 स्वर्ण, 63 रजत, 56 60 कांस्य, 178 कुल। दिल्ली 48 37 51 के साथ 136 जीते। अगला है हॉफमैन कप। रोजर फेडर और बिलिंडा वेनिक ने स्विट्जरलैंड के लिए खिताब बरकरार रखा। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडर और बिलिंडा वेनिक ने जर्मनी के एंजेल करवर और अलेक्जेंडर ज्यूरियो को हराकर लगातार दूसरी बार बस हॉफमैन कप जीता है। 80वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित की गई। अगली जसमीत बुमराह 2018 में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए। भारतीय तेज गेंदबाज जसमीत बुमराह 2018 में सभी प्रारूपों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। उन्होंने कैलेंडर वर्ष में 78 रन विकेट लिए। अगला हमारे स्मृति मंधाने ने ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। उन्होंने ICC महिला वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया। ICC पुरस्कार 2018 पुरस्कार विजेताओं की सूची इस प्रकार है। ICC वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के लिए सर्फ गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी विराट कोहली को मिली है। ICC का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। ICC वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। ICC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर ऋषभ पंत। ICC एसोसिएटेड प्लेयर ऑफ द ईयर कैलम मैकलियोड। T20 वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आरोन फिंच। ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट पुरस्कार विलियमसन। अंपायर ऑफ द ईयर कुमार धर्मसन सेना। विराट कोहली ICC के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। ICC वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट खिलाड़ी और ICC वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी का खिताब जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने वर्ष 2018 के लिए ICC की टेस्ट और एक दिवसीय टीमों की का कप्तान भी घोषित किया गया था। चलिए तो ये था हमारा 2019 का खेल से संबंधित करेंट अफेयर्स और उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी।